तो फ्रेंड्स आप सभी का प्यार लेके लास्ट सेशन में सभी सबको इनवाइट करो इतने आवाज में सभी सबको इनवाइट करो तो रिस्पोंडेंट सभी सबको जूस ऑफ प्लीज कम ऑन में जोर लगा के साथ हेलो कान में आके बोलते हैं कि डांस करो पर सही बोलो कि जो डेढ़ दिन गया है ना बाकी में बहुत मजा आया मुझे आपको मजा आया पक्का मुझे कभी भूलो में क्या ऐसे ही आपको बनना है मैं अपने आप को बहुत ध्यान रखता हूँ जब तक आप वो नहीं करते लोग आपको पसंद नहीं करते हेलो तो जैसा डॉक्टर भाई ने बताया अब हम लोग तुम्हारा लास्ट सेशन को जाते हैं देखिए ये जो सेशन जो मैं लेने वाला हूँ ये हमारे साउथ इंडिया में जो केरला में जो आज हंगामा हो रहा है और जो डी 25 का मॉडल बना है क्यों डी 25 करना चाहिए क्या वजह है नेटवर्किंग और डी 25 में क्या संबंध है लोगों को एक्टिवेट रखने के लिए ये क्यों करना जरूरी है ये सारे पॉइंट्स को मैं आज कवर करूंगा देखिए बहुत सारे कंपनीज इंडिया में हैं बहुत सारे बरसाती मेंढक जिसको मैं कहता हूँ आते हैं और कंपनी लॉन्च करते हैं मैं किसी को बुरा नहीं बोलता हूँ लेकिन हमारी कंपनी क्यों अच्छी है ये तो मैं बोल सकता हूँ ना मुझे किसी की बुराई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है पर हमारी कंपनी जो है सबसे पहले जो एक अच्छी कंपनी की सोच होनी चाहिए वो उसकी झलक से आता है और आप सभी जानते हैं हमारा कंपनी का झलक कौन है जो हमारे मेंटर है मिस्टर प्रवीण जयचंदन ये वो इंसान है जो आज से 10 साल के बाद क्या होगा उसको आज ही एंटिसिपेट करते हैं इसीलिए पिछले 7.5-8 साल की जो सफर हुआ है हम लोगों को इंडिया में नंबर वन की पोजीशन को हासिल किया है अब यहाँ से हमारी इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है कोरोना के कारण हम लोग 1 साल पीछे गए हैं 1 साल लेकिन आज भी वहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग हैं सबके पास एवरीबॉडी पैसा पहुँच रहा है उसके 1 रुपये का बिजनेस नहीं आया तो ये लंबी सोच है कंपनी का विजन ये है अगर आप पूछोगे हमें अगले 5 साल के अंदर 6 से 7 देशों में हमारा बिजनेस को फैलाना है अगर हमको 5 से 7 सालों में इंटरनेशनल ऑपरेशन में बहुत कामयाब बनना है तो हमारा विजन बहुत बड़ा होना चाहिए हमारी आने वाली प्रोडक्ट का रेंज बहुत बड़ा होना चाहिए आज हम लोग जिस तरीके से हमारी ऑपरेशन चलता है आज इनफैक्ट आज रात को या कल सवेरे के बीच में मैं प्रवीण जी को एक नया प्रोजेक्ट दे रहा हूँ माई लाइफ स्टाइल इन द कमिंग 2 ईयर्स में किस तरह प्रोफेशनली हम चेंज होंगे इसका ऑलरेडी डिस्कशन मैंने कर दिया था तो मैंने छोटा सा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है उनको जाके ये समझाना है कि क्या क्या हमें चेंजेस कराना है देखिए बिजनेस चलाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है टीम में भी हो या कंपनी में भी हो जो आगे की सोच रखकर बिजनेस की प्लानिंग करते हैं एक होता है ऑपरेशन को प्लान करना दूसरा होता है जो ऑपरेशन की प्लान हो चुकी है उसके एग्जीक्यूशन करना तो हमारे पास सारे विंग्स हैं उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी तत्व होते हैं जो इवन बहुत सारे हमारे स्टाफ नहीं जानते जो हमारी साइबर सेल है बिकॉज साइबर सेल एक ऐसी सेल होती है जो कभी भी कोई उठपटांग कोई काम करता है उसको किस तरह पकड़ना है वो हम लोगों ने एक्टिवेट किया है और बॉम्ब हमारे जो चेन्नई में है चेन्नई में जितने भी लीडर्स जाते हैं एक ऑफिस देखते हैं जहाँ पे कैलाश भाई बैठते हैं एक हमारी एडमिन की ऑफिस है एक हमारा इंडिया चौक की प्रोक्योरमेंट और डिस्पैच की ऑफिस है उसके अलावा और हमारे पास 3 ऑफिस है यानी चेन्नई में टोटली 6 ऑफिस है कुछ ऑफिस को तो स्टाफ को भी पता नहीं होता है वहाँ के कौन एम्प्लॉयज ये भी उनको पता नहीं होता है क्योंकि उनका काम गुपचुप करने का है हेलो क्योंकि
देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी जो अड़चन बीच में आती है उसको रोकने के लिए हमको अलग स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो माइलेज इज रेडी फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशन। इंटरनेशनल ऑपरेशन में बांग्लादेश में तो सब कुछ हो चुका है, बर्मा हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये क्यों हम लोग वहां पे जा रहे हैं? अगर आप सोचेंगे हमारी विजन ये क्यों है कि हम लोग ये देशों में पहले क्यों लॉन्च कर रहे हैं, उसके पीछे वजह है, उसके पीछे ये वजह है कि ये सारे देश जो है वो हमारे जैसे ही है, हमारी जैसी कल्चर है, हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोगों की सोच है, वैसी सोच वाले ये देशों में रहते हैं क्योंकि हम एशिया खंड के लोग हैं। फिर हम लोग मलेशिया का ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि मलेशिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्कोप है। उसके अलावा फिर दुबई। दुबई क्यों? क्योंकि दुबई में बहुत सारे हिंदुस्तानी लोगों की वहाँ पे टच है। अब मैंने जैसे कल की मीटिंग में बताया था कि बहुत सारे लोग आज फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इसमें हैं, लेकिन इसके अलावा आपका भी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना जरूरी है। आपके सोशल मीडिया का प्रेजेंस होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें अपनी वाहवाही करें। हेलो, वाहवाही इसलिए करना नॉट फॉर योर, मतलब उस टीम से इस टीम के लोगों को लाने के लिए नहीं। इंटरनेशनल ऑपरेशन जब स्टार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल हम दुबई स्टार्ट कर रहे हैं, तो दुबई में जो बंदे नेटवर्क का सब जगह देखते रहते हैं, जिनका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, मैंने ये सजेशन हमारे साउथ इंडिया के टॉप लीडर को दिया था, उन्होंने उनकी जो टीम है, टीम का आपका तो वेबसाइट ऑलरेडी है, आपका फेसबुक पेज भी है, आपका आर्मनी का फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब चैनल है, दो चैनल है, तो ये जो चैनल है हार्मनी का, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक अकाउंट, ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट, ये सारा बहुत जरूरी है। बिकॉज जब इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट होगा और गुजराती और मलयाली ऐसे दो कम्युनिटी है कि दुनिया में किधर भी जाओ आपको गुजराती मिल जाएगा और आपको मलयाली मिल जाएगा और मारवाड़ी भी मिल जाते हैं। ये जो तीन चार कम्युनिटीज है ये इंडिया में नहीं पूरी विश्व में फैले हुए, तो आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये कम्युनिटी को भी पता होना चाहिए। कुछ हमारे लीडर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं लेकिन ये भटक जाते हैं, ये फिर अपने आप की वाहवाही लुटाने के लिए कुछ कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हमारे लोगों को लगता है कि ये अपना अपना बहुत बढ़िया है। देखिए अपना प्रेजेंस बनाना जरूरी है, अगर प्रेजेंस बनाते हो तो बहुत अच्छा बिजनेस जा सकता है। तो आइडेंटिटी क्रिएट करना ये एक मकसद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हार्मनी का ऑलरेडी है, तो हार्मनी की जो वेबसाइट है उसके अलावा हार्मनी का जो यूट्यूब चैनल होगा इस पे आपको बहुत सारे शॉर्ट स्पीचेस को बना के डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका, नटू भाई का, प्रकाश भाई का, ये जितने भी टॉप लीडर्स हैं अलग अलग टॉपिक पे जब यहाँ पे बातचीत होती है उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए जिस तरह ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, और आने वाले हार्मनी के लीडर्स को ये देखने से वो पूरा आइडिया मिल जाएगा कि क्या है। देखिए बेसिक ट्रेनिंग करना है, अच्छा बेसिक ट्रेनिंग वाले का रिकॉर्डिंग करिए और उसको यूट्यूब में डाल दीजिए। जैसे हम हार्नेस का यूट्यूब में आपको सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल मिलता है, तो हर बार वही चीज़ करने की जरूरत नहीं है अगर ट्रेनिंग नहीं होता। देखिए शुरुआत के काल में बहुत मुश्किल था, लेकिन कोरोना ने हमको सिखाया कि यूट्यूब में हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसलिए यूट्यूब चैनल में आपका है उसको और थोड़ा प्रोफेशनली बना दिया तो बहुत अच्छा काम होगा। माई लाइफस्टाइल अगले 5 साल में 5 देशों में जाते जाते हम लोग ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स का प्लानिंग कर रहे हैं जो विश्व में किसी के पास ना हो। उसका एग्जाम्पल एक फास्ट है, देखिए फास्ट एक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रोडक्ट, एक किट है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ इंडस्ट्री में है, बहुत सारे लोग हैं जो फैट का यानी जो मोटापा कम करने के लिए सोल्यूशन देते हैं, कुछ सिर्फ शेक देते हैं, कुछ सिर्फ कैप्सूल देते हैं। हमने कैप्सूल भी दिया, शेक भी दिया, साथ में सूप भी दिया। हम लोग पतला होने के लिए ये नहीं बोलते कि ये खाओ मैजिकली आप पतले होंगे। हेलो, जो खाना हम खाते हैं उसको समझना है। तो शुरुआत में श्वेता जी की ट्रेनिंग हुई है, अब मैं जब
अभी मैं बहुत घूम रहा हूँ, मेरा थोड़ा घूमना कम करने वाला हूँ, और मैं सीरीज निकालूंगा जिसमें आपको हर थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बता सकता हूँ कोई भी एग्जाम्पल लेके। तो ये चैनल आपको सपोर्ट करेगी एक साल तक, वो भी हार्वेस्ट की साइड पर आएगी, फास्ट ग्रोसरी। सिमिलरली जो हमारे स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होंगे, इसके बाद जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसकी सारी चीज़ तैयार करके ही हम लोग लॉन्च करेंगे, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो एक विजन बहुत बड़ा है दोस्तों। अगर हमारा विजन है कि अगले 10 साल में पूरी दुनिया में राज करना है, तो आपका भी उसी तरीके से तैयारी होनी पड़ेगी। अपने आप को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो मैंने सवेरे आपको बताया। करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, नया जनरेशन जो आया है, निखिल चंदन जो आया, इतना पैशनेट है। अभी बहुत जल्दी आपको एक वीडियो का टीजर आया था, निखिल खड़ा है ऐसा और एक लेडी और अपने बच्चे के साथ। अब उसकी पूरी वीडियो आने वाली है, वो करीब 6 से 7 मिनट का वीडियो होगा। वो वीडियो में एक प्रोफेशनल वीडियो की जरूरत पड़ती है। आज प्रॉब्लम किधर आता है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर में हर बंदा अपना चैनल बनाता है, कुछ ना कुछ डालता है। हमारा कंपनी का ऑफिशियल फेसबुक पेज से आ रहा, उसी की इमीडिएटली कॉपी करके वो डालते हैं। ये डालने वाले ये एक्सपेक्टेशन डालते हैं कि ये जो देखे हैं वो कहें कि मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। हाँ, डेफिनेटली हम लोग हर उसमें 6 महीने के अंदर हाउ टू ट्रेन पीपल ऑनलाइन, इसके ऊपर भी हम कोर्स लेके आ रहे हैं। मतलब ऑनलाइन में किस तरह ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को, ऑनलाइन में लोगों को अट्रैक्ट कैसे दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का हम लोगों ने एक और एक विंग बना रहे हैं एक्सटेल का, ताकि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, आप सोच के देखो, अगर आप खुद का ही आपका वेबसाइट हो जाए तो बढ़िया होगा। हेलो, हर एक आदमी का एक वेबसाइट कैसा रहेगा। बातें बातें करते मेरे को दिमाग में आया, तो मैं सोचता हूँ कि हम हर डिस्ट्रीब्यूटर को एक वेबसाइट दे दिया, तो बिकॉज ये तैयारी करनी पड़ेगी अगर हमें वर्ल्ड ओवर जाना है। तो उसके पहले अगर वेबसाइट कंपनी बना के अगर आपको देती है, उसके पहले आपको अपनी एक बैकग्राउंड तो तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप वेबसाइट के ऊपर ऐसा फोटो लेंगे, या फिर आपकी खुद की गाड़ी के साथ ऐसा फोटो लेंगे, गाड़ी के ऊपर बोनेट पे आते हैं, कौन सा अच्छा रहेगा? गाड़ी वाला। तो कितने लोग गाड़ी है अगर हाथ ऊपर करें, और जिनके पास गाड़ी नहीं है, आपको गाड़ी के बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। वो विजन लेके चलिए, आप STCMO है, तो विजन लेके चलिए कि कल की दुनिया में अगर मुझे अपना वजूद बनाना है नेटवर्क इंडस्ट्री में, आपको एक आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप अपनी टीम के साथ पूरी जोर से काम करिएगा, ताकि हम कंपनी के साथ हार्मनी के साथ कंधे से कंधा मिला के अपना एक वजूद, अपनी एक इंडिविजुअलिटी, अपनी एक आइडेंटिटी बनाए। हेलो, यहाँ पे हार्मनी आपकी शायद दे रही है, लेकिन आपको अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। और उसके लिए आपके टीम को नेटवर्किंग क्या है, रिपर्चेस क्या है, क्यों रिपर्चेस है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग का, रिक्रूटमेंट का फंडा क्या है, ये सब समझना पड़ेगा। तैयार हो? तो आप यहाँ पे नए डिस्ट्रीब्यूटर जब आते हैं, सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, कोई बता सकता है? मैं नया जुड़ा हूं, मेरे साथ अगले एक महीने में क्या क्या एक्टिविटीज होता है? मैं नया जुड़ा हूं हार्मनी का किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे साथ क्या क्या होते हैं, मेरा क्या प्रोसेस होता है, जिसको हम न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स का इनिशियल ओरिएंटेशन कहते हैं। बेसिक ट्रेनिंग होता है। बेसिक ट्रेनिंग में कौन से टॉपिक्स कवर होता है? लिस्ट बनाना, कॉन्टैक्ट करना, इनवाइट करना, और उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट्स को किस तरह बेचे जाते हैं, उसका नॉलेज दिया जाता है। तो इसको परिपूर्ण बनाने के बाद ही आप फील्ड में बोलते हैं, अभी आप स्पॉन्सरिंग शुरू करो, राइट? कुछ अलग करते होंगे कुछ, पर ये करना क्यों है, उसके पीछे का वजह जानना जरूरी है। नए व्यक्ति का कॉन्फिडेंस हमेशा कम होता है, हमेशा कम होता है। कितने की स्टार्टअप होती है पहला वाला? 10,000 से 5,000, 10,000। कभी सिंगल आईडी पे होता है कि 3 आईडी पे होता है, मतलब 30,000। अब 30,000 का किसी को अगर प्रोडक्ट का पहला इनिशिएशन करते हो, आप कभी उसकी साइकोलॉजी सोचे हो? ह्यूमन साइकोलॉजी जो होता है उसका, वो बंदे का जो सोच है,
आपको तो उसने, आपने तो उसको 30,000 का प्रोडक्ट 390 पे दे दिया, उसको बिजनेस का स्कोप बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन वो उस वक्त में क्या सोचता है जब शुरुआत होती है, ये 30,000 जो है मेरे सर पे एक बोझा है। क्या है? बोझा। उस बोझे के तले ऐसा हो जाता है, हेलो, और वो ऐसा ऐसा चलता है जो आपको दिखाई नहीं देता है। उसको रात को नींद नहीं आती, बीवी बात करके सुनाई नहीं देता है, क्योंकि 30,000 लगा चुका है माई लाइफ स्टाइल में। तो इस बोझे को हल्का करने के लिए क्या करते हो? बहुत सारे आप ट्रेनिंग देते हो, लेकिन ट्रेनिंग से उसका बोझा हल्का होता है क्या? उसकी बोझा कब हल्का होगा? ये जो माल आया है, वो माल जब निकलेगा उसका बोझा हल्का होगा। देखिए, मैं जहाँ तक जो हमने केरला में, तमिलनाडु में जो मॉडल किया था, ये जो पहला है ना, इनिशियल इनिशिएशन, ये सवाल बहुत बारीक चीज है। तो पहला जब उसके घर में एंट्री होता है, जहाँ तक मैंने बात किया है हमारे लीडर्स लोगों से, कि आप लोग उसके घर में जाते हो उसकी इनिशिएशन करने के लिए, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर उनके घर में उनके माता पिता है, सबसे पहले जाके उनका पैर छू लो। वो अपलाइन में जा रहा है और उसको बोलना पप्पा का आशीर्वाद ले, और पप्पा जी और मम्मी जी का आशीर्वाद लेके एक बोलना कि आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका बेटे ने या आपकी बेटी ने हमारे साथ में बहुत बड़ा बिजनेस करने का सोच रहे हैं, इसके लिए हमको आपके आशीर्वाद दीजिए। और वो बुजुर्ग आदमी आपको आशीर्वाद देगा। वो देते ही वो बुजुर्ग माँ या बाप, उसकी पत्नी है तो पत्नी, बच्चे जगते, कितने संस्कारी लोग हैं हारमोनी के, बुजुर्गों का ये इज्जत करते हैं, साइकोलॉजी काम करते हैं, ये आदमी सोचता बात नहीं। कभी हो सकता है कि इस बेटे ने बाप को कभी कुछ गिफ्ट ना दिया हो। अगर आपकी किट में 95 है तो पिताजी को ऑफर कर दो, ये आपके बेटे की तरफ से आपको गिफ्ट है। हेलो, गिफ्ट दे दिया। माता जी को बोलना, माता जी 15 आप 15 आप, एक महीने का कोर्स था लेकिन 15 दिन में खत्म हो जाएगा, बेटे को बोलना दोबारा ला के देना। 30,000 में से कम हो गया थोड़ा। हेलो, फिर पत्नी को, यहाँ पे अगर लेडीज लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपके वाइफ बेटी या बहन, तो बहन जी को भी प्रोडक्ट दे दीजिए। ये हमारा वुमेंस कंपेनियन है, ये हमारा साइक्लोवा है, ये हमारा, ये चीज़ लेने से आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। भाभी को गिफ्ट दे दिया, ये ऐसा सब धीरे धीरे करके उठ रहा है। बेटे को बुलाया, बेटे को बुलाया, ये है न्यूट्री लाइफ मैंगो फ्लेवर, दूध पीता है ना, आज के बाद इसी के साथ दूध पीना, वरना दूध मत पीना। हेलो, हो गया। घर में जितने सदस्य, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट गिफ्ट करना है इसकी तरफ से, घर में पहला रिपर्चेस का चांसेस बढ़ जाता है। एक बार पिताजी को माता जी को दे दिया, दोबारा मांगेगा तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जबरदस्ती उसको रिपर्चेस कराना पड़ेगा। हेलो, ये पहला बैरियर टूटा। फिर पिताजी को बोलना, पिताजी हेल्थ के लिए सवेरे घूमने जाते हो, वॉकिंग करते हो? हाँ करता हूँ बेटा। तो वहां पे आप जैसे और बुजुर्ग मिलते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, क्यों ना हमको उनका नाम बताएं, हम भी उनके पास जाके ये सब समझाएं, और साथ में आप भी चलिए ना दादा, बुड्ढे को लेके जाओ। वो बोलेगा मेरा बेटे ने मेरे को दिया है, तेरा बेटा देगा क्या? 10-15 कॉन्टेक्ट वो बुजुर्ग इंसान दे देगा आपको। फिर माता जी को ना सत्संग में जाती हो मामा, माता जी को यहाँ जाती हूँ, वहाँ पे आप जैसे बहुत सारे और भी माताएं होंगे जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, जिसको ये प्रॉब्लम है, जिसको वो प्रॉब्लम है, उनको बोला माता जी देगी 20-25 कॉन्टैक्ट। हेलो, आप समझ रहे हो? भाभी जो है, भाभी का किटी पार्टी चलता है, यहाँ पे किटी चलता है, वो बिस्सी बोलते बिस्सी, कि हमारा वहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत सारे किटी, मेरी वाइफ तो ऑलमोस्ट 12 किटी है, 1,000-1,000 रुपये का किटी करते हो, वो 1,000 रुपया किटी करते, एक को वो किटी निकालते हैं और वो अपना लेके जाते हैं। किटीस में लोग घुसते हैं, किटीस में लोग घुस जाते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। हेलो, भाभी ही देंगे 25-30, लेडीज लोग बहुत जल्दी बात को फैला देते हैं।
नहीं गिटी जाते, मंदिर तो जाते हैं, मंदिर में सहेलिया बन जाते हैं। देखिए बिजनेस का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। परिवार वाले, वो व्यक्ति जिसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, वो व्यक्ति के बहुत सारे फ्रेंड्स में किए। मैंने 4 दिन पहले मंगलुरु में किया था, एक रेडियो है, मेरी एक ही सहेली है, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन के आए थे। डिस्ट्रीब्यूटर सर, मेरे पास एक ही सहेली है, अब वो सहेली दूसरा कंपनी में काम करती है, मैं क्या करूं? मतलब मैडम आप क्या करते हो? मतलब चिकन का दुकान था। बोले आपके पति का? वो मेरे को मालूम नहीं। अच्छा आपके बच्चों का? तो उसके बच्चों के फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा। बर्थडे में कितने लोग आते हैं? बोले 25-30 आते हैं। तो उनका तो फैमिली होगा? हाँ, बस उनकी फैमिली पकड़ी। और वो अपने को ये बात समझ में आ गया। मैं इधर अहमदाबाद पहुंचा और जिसके पास एक भी कॉन्टैक्ट नहीं था, उस लेडी के 4 लोग स्पॉन्सर हो गए, क्योंकि उसके हस्बैंड के पास गए और उसके हस्बैंड से बात किया, उसके हस्बैंड ने बोला, उसके बच्चों के जो फ्रेंड्स थे उनके पास गया, 4 को स्पॉन्सरिंग एक ही दिन में कर दिया। हेलो, तो इनिशिएशन जब होता है। दूसरा, जब आप किसी घर में जाते हो, मैं हम लोग ये बहुत करते हैं, घर में हर एक का इष्ट देवता होता है, उस इष्ट देवता के सामने जाइए आप, और आपका टीम जाती है, अप्लाई करता है, और वो बंदा जाता है, वो वहाँ जाके एक छोटा सा प्रार्थना कीजिए भगवान के सामने, जो भी उनकी छोटी सी मंदिर हो, भगवान से एक प्रार्थना, हारमोनी के नाम पे एक प्रार्थना तैयार कर लो, और हारमोनी टीम की तरफ से वादा करके भगवान की, हम इस दोस्त का जो भी सपना है वो पूरा करेंगे, और भाभी जी को बोलना अगर प्रसाद के लिए कुछ नहीं तो शक्कर दे दो। एक ऐसा वातावरण तैयार होता है उस घर में, उसके बाद उस आदमी की फैमिली कभी नेगेटिव नहीं बोलता है, वरना फैमिली सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन करता है, क्या बकवास काम है, अरे जो पैर छूते वो कभी गलत काम नहीं करते, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ये जो पहला स्टेप है, उसके बाद फैमिली के साथ बैठो, हमारे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, और फिर हमारा बिजनेस का पोटेंशियल बताओ, 1,000 कैसा मिलता है, 2,000 कैसा मिलता है, बड़े सिंपल शब्दों में, सिंपल तरीके से प्लान का उनको रिपीटेशन करो, और रिएट्रेट करो कि पापा मम्मा भाभी अब जो सबको ये कैसा, आपके पापा की गाड़ी आएगी, ड्रीम बिल्डिंग उनका करो। भाभी जी को ना आज के बाद इसको घर में मत बैठने देना, सवेरे जाता है नौकरी में, शाम को आता है, शाम को घर में घुसने मत देना, तैयार होकर इमीडिएटली जाओ और काम करो, जो आपका गुरु उसकी फॉलो करो। पिताजी को बोलना पिताजी आपके बेटे को घर से निकालो, ये आपका कल बनाने वाला है, इसको हमारे साथ भेजो, इसको घर से निकालो। घर वाले बैंक नहीं देंगे। और भाभी जी बोलना भाभी जी अगले दिवाली में इसको बोलना मुझे नया मंगलसूत्र ला के देना है, डालो उसके दिमाग में। एक बार पत्नी को लगा दिया आग, तो पति के पीछे ऑटोमेटिकली आग लग जाएगी। ये छोटे छोटे चीजें हैं। साउथ में बिजनेस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग बोल ही नहीं पाते थे, तो हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स, तो हर एक बंदियों का प्रोडक्ट्स का हम लोग बताते थे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी है, क्या क्या ऑनगोइंग सपोर्ट, ये सब कुछ उसको बता दिया। और जो कल्चर आपका है वही कल्चर आप उनको समझा रहे हैं। हमारा इंडियन कल्चर है भाई, हम रिस्पेक्ट देते हैं। सिंपल काम है, कि बड़ा साइंटिफिक काम नहीं है, हम सब इमोशन से बंधे हैं। बाप चाहता है कि बेटा कुछ करे, इसीलिए तो पढ़ाते लिखाते हैं। सोच के देखो उस बाप की सोच, ये जैसे 12वीं पास होता है, उसको डॉक्टर बनाने के लिए 5 साल के लिए कठिन परिश्रम करके पैसा जमा करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला देता है, फिर 2 साल एडमिशन करता है, फिर पैसा कमाता है, और हमारे यहाँ 5 साल देते हैं तो साले को डायमंड बना सकते हैं। हेलो, ये सोच को बदलना है, इसके लिए लोगों के दिलों में उतरना है। इंसान का चेहरा उसका दिल का आईना होता है। आपका चेहरे पे उस आईना दिख जाए कि ये आदमी अच्छा है, मेरा बच्चे की लाइफ सिक्योर करेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट कम नहीं करेगा, और लड़के को बोला भाग भाग साले घर में मत बैठ। तो क्या कर सकते हैं? कॉम्पिटेंट बनाना है, लेकिन कॉम्पिटेंट बनाने के लिए उसकी बेसिक से उसकी तैयारी करिए, न्यू ओरिएंटेशन करिए, आप बेसिक ट्रेनिंग दीजिए, पर दिल के साथ, दिल और बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग होता है दिमाग का खेल, पर उसको दिल के साथ जोड़ देंगे ना, पर्पस लाओ, घर में डिस्कस करो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है,
पापा मम्मी भाई साहब खुलकर बताएगी अगर आप उनको सिंपल तरीके से पूछोगे। ये आप एसटीसी अभाव है, ये आपको कला सीखनी पड़ेगी और अपने लोगों को सिखाना पड़ेगा। तैयार हो? पक्का? सिंपल आइडिया है, कर सकोगे? पक्का? तो आगे आते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ रिपर्चेस क्या है जरूरी। अगर मेरे को मेरे रिपर्चेस को स्ट्रक्चर करना है, मेरे को मेरे टीम में रिपर्चेस रेगुलर कराना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 2000 रुपए की चीज अपने परिवार में कम से कम यूज करना है। रिपीट, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। यहां पे कितने लोग जो 900 पीते हैं रोज? कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते हैं। अगर सबने हाथ उठाया तो पूछता कितना टर्नओवर है रिपर्चेस का, फटाक से पकड़ जाते हैं, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तो 900 पीने से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, ये तो सब मानते हैं, आने वाली बीमारी से बच सकते हैं। क्यों नहीं पीते हम लोग? हमको लगता है ये महंगा है। तो अगर महंगा है तो पैसा कमाओ ना खरीदने के लिए। तो पहला जो इंसेंटिव आता है टीम के साथ में खर्चा करने के लिए, प्रोग्राम में खर्चा करना, 900 खरीदने के लिए तो पैसा कमाओ। हेलो, बहुत सारे लोग जो 900 पीते हैं ना रेगुलरली, उनको कोरोना नहीं हुआ है। कोरोना नहीं हुआ है, आपकी इम्यूनिटी इतनी हाई है कि आपको ये असर ही नहीं करेगा। आपको विटामिन सी की गोली खाने की जरूरत नहीं है, ये बात समझो। तो खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए कुछ नहीं, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो अपना कम से कम यूज के लिए कम से कम 2000 का तो माल ले सकते हैं। नहाते हैं ना हम लोग सब, ब्रश करते हैं, शैंपू लगाते हैं। तो जो अपने लिए चीज है वो अपनी कंपनी से सवाल कर लीजिए ना। हो सकता है जी 35 का कुछ हो, पर 2000 का धंधा तो दे दिया अपने आप के लिए। उसके बाद अपना पूरा परिवार को सोचो, दादा हो गए, दादी हो गए, फैमिली हो गए, बच्चे हो गए, इस सबकी तो जरूरत है। तो इनके लिए आप प्रोडक्ट लेते हो, अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो कम से कम 5 से 10 हजार का माल अपना घर में लगता है, जो किराना का दुकान साथ से लेते थे वो हमारा टीम में कन्वर्ट करना है। हमारे पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है, ये काम कर सकते हैं ना, वरना कहीं ना कहीं से तो लेते हैं अपने लिए अपना प्रोडक्ट से। तो रिपर्चेस, अरे लोग कहीं टीम में जो 1000 रुपए का रिपर्चेस नहीं करते, वो भी कब करते जब इंसेंटिव आता है। पता नहीं यहाँ होता है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे जगहों में महाराष्ट्र में खास करके 1000 का तब लेते इंसेंटिव बन रहा है, फिर लास्ट मोमेंट पे ठोक देते रिपर्चेस। भाई धंधा कर रहे हो, धंधा कर रहे हो। अब ये 2000 का फंडा समझ में आ गया। अगला फंडा समझते, अगर आपके पास 10 से 20 परमानेंट कस्टमर है, मतलब ये वो व्यक्ति है जो कभी भी बिजनेस करना नहीं चाहेंगे। कुछ होते ना बड़े लोग, बड़े बड़े लोग होते जिनको धंधा नहीं करना लेकिन हेल्थ का प्रॉब्लम है, दोनों उनको प्रोडक्ट। हर डिस्ट्रीब्यूटर आपका कम से कम 10 से 20 कस्टमर बनाना पड़ेगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं बन रहा है, वो प्रोडक्ट लवर है। हर एक की जिंदगी में ऐसे प्रोडक्ट, 10 कस्टमर 20 कस्टमर रख लो, उनको 1000-1000 का प्रोडक्ट भी देते हो ना, तो 10,000 का धंधा ऐसे ही हो जाएगा। अगर आपके पास 20 कस्टमर है तो 20,000 का धंधा। मैं 1000 की बात कर रहा हूं, एक बार आदत लग जाए हमारे प्रोडक्ट की। अगर 95 का फिश कस्टमर है तो 3,000 का धंधा हो गया। अगर कॉम्बो कर लिए तो आपको 5 से 10 हजार का एक कस्टमर मिलेगा, जो पैसे वाला नहीं करना चाहता धंधा, मैं नहीं करूंगा भाई जाता तेरा धंधा बंदा, मेरे को नहीं चाहिए प्रोडक्ट देना है तो देखे लेना भाई, मुझको तो बीवी चाहिए। तो आपका रिपर्चेस ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा। अब आप इनकी स्टोरी सोचिए, सब्जी वाले, दूसरे है फ्रूट वाले, कभी पूछा है इनको कितने का धंधा करते ये लोग? रोज होलसेल मार्केट में जाकर 5-10 हजार का माल उठाते हैं और गाड़ियों में जाके बेचते हैं, सब्जी ले लो सब्जी। हेलो, आपके इधर आता है रेडी वाले? कहीं भी रास्ते में फ्रूट वाले खड़े रहते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? बिजनेस। हम क्या कर रहे हैं? चेन सिस्टम।
ये हमारी सोच है। मैं क्यों बोलूं प्रोडक्ट के बारे में? हेलो भाई, तेरे को ये बिजनेस करते, मैंने क्या बोला, पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं, आया तो इन्वेस्ट, आया इन्वेस्ट, आया इन्वेस्ट, आया फिर पैसा थोड़ा इन्वेस्ट कम, पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कम, धीरे धीरे फिर पैसे की आपको इन्वेस्टिंग की जो है वो वैसे ही रहने वाला है, घर का खर्चा वही रहने वाला है, लेकिन आपका इनकम बढ़ेगा। पर शुरुआत में ये जो सब्जी वाले फ्रूट वाले जो इन्वेस्ट करते हैं, उतना भी हमने सोच बढ़ा ली तो हम कम से कम 50,000 का तो माल रोटेट कर सकते हैं ना। हेलो, इनको क्या सीलिंग मिलता है क्या? 2,10,000 मिलने की उम्मीद है क्या? उम्मीद क्या इनको रॉयल्टी मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस, रैंक, इनकम क्या मिलता है इनको? इनको अपनी फैमिली को जिंदा रखना है, इनको अपना परिवार चलाना है। 5-10,000 का फ्रूट लाएगा, बेचेगा, 1,000 रुपए का घर में लेके जाएगा। देखिए, मेंटालिटी आने के लिए ना इनके बारे में सोचिए। मेरा नेटवर्क करियर में जो सबसे बड़ा पार्ट फाइनेंशियल पार्ट से करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था नामदेव। क्या नाम था उसका व्यक्ति का? नामदेव। नामदेव जो है, हमारी पहले जो ऑफिस थी वो सानपाड़ा में थी, आपको शायद याद होगा। सानपाड़ा बोल के न्यू बॉम्बे में एक जगह है, वहाँ पर हमारी ऑफिस थी। उस वक्त में मेरे पास कार नहीं हुआ करता था, मैं भी बस में जाता था। तो मैं देखा कि नामदेव बोल का आदमी एक भिखारी था। कौन था? भिखारी। वो भीख मांग रहा था सड़क पे, सिग्नल पे, हमको तरस आती इनके ऊपर। तो मैंने नामदेव को मैं देखा, इसको सारा ये क्या धूप में खड़ा है, मैं तो छाव में पेड़ के नीचे खड़ा था। और उसको पहला यार इस क्या इसकी, मैं उसको सड़क पर बस आ नहीं रही थी तो मैं तो खड़ा था, टाइम पास तो कुछ करना है। तो देखा वो आदमी टक 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 है, नहीं दिया अगला टक टक टक। तो जो सिग्नल था वहां पे 6 रास्ते मिलते हैं, तो एक बार सिग्नल रेड हो जाती है, दूसरा सिग्नल ग्रीन होता है, 3 मिनट लेता है वो, 3 मिनट में बराबर वो जगह जाके मांगता है। तो मैंने देखा 1 घंटे में करीब 30 से 35 लोगों ने उनको पैसा दिया। मैं बोला इधर आओ, आया क्या है, धंधे का समय है, खोटी मत करो। बोला धंधे का समय है, खोटी मत करो, अरे यार मेरा कस्टमर जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो। मैं बोला भाई देखा तेरे को, 1 घंटे से देख रहा हूँ, मेरी बस नहीं आई है, तो तेरे को 30 से 35 लोगों ने पैसा दिया। हाँ तो सर 30 से 35 रुपये तुम्हारा घंटे की कमाई है। बोला हाँ तो सर मैं तुमको देता हूँ। अरे गलत बोलते आप सर, आप जैसे थोड़ी 1 रुपया वाले, कुछ 2 भी देते, कुछ 5 भी देते। मेरा 70 रुपये का इनकम हो गया घंटे का, एवरेज इनकम 100 रुपये का है, तो 100 रुपये तो फिर मैं बात करता हूँ, वरना मैं जा रहा हूँ अपना काम पे। दिया 100 रुपये, ये ले आप, ठीक है, सिगरेट है क्या? और है ना भाई, ये सिगरेट जला के पूछो क्या पूछना है, थोड़ा ठंडा मिलेगा? बोला इधर से ठंडा वाला ठंडा ले, ये ठंडा की अब बात कर, क्या पूछना है आपको, भिखारी से क्या पूछना है? बोला मेरे को ये पूछना है कि तू ये धूप में कैसा खड़ा रहता है, तू भले 30 रुपये कमा 70 रुपये कमा, पर धूप में खड़ा कैसा रहता है? मुझे तो 2 मिनट खड़ा पसीने में लथपथ हूं, तुम भी लथपथ हो, फिर कैसे खड़े हो? अच्छा ये जानना था, हाँ ये जानना था, क्योंकि मैं भी काम करने के लिए जा रहा हूँ ना, मैं तो थक जाता था। 4 लोग को बिजनेस प्लान बता दिया, कोई नहीं आया तो घर में बैठे रहते, कोई नहीं आया, और ये सारा टक टक कर। अब इस अगर उसको 30 से 35 लोग दे रहे हैं पैसा, कम से कम 400 लोगों का तो खट गया उसने, तो सारा नंबर गेम खेला, 400 खटखटा के 30 से 35 लोग देते हैं, हमको 4 लोगों का प्लान पता कि नहीं है तो घर में बैठते। मैंने वो सोचा साला, आज के बाद तो मैं दुनिया भर के लोगों को प्लान बताऊँ, आना है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नामदेव ने मेरे को दिया पहला लेसन। दूसरा लेसन नामदेव ने बोला, सर घर जाने के पहले मेरे को 500 रुपये चाहिए। बोला क्यों? 300 रुपये बीवी को देना पड़ता था ना, घर में कुछ नहीं देती, वो क्या करती, वो मुझे क्या मालूम। बोले 300 दे तो घर में एंट्री, वरना बाहर सो जा। अब उसकी स्टैंडर्ड वैसी थी, तो बीवी का 300, बाकी का पैसे का क्या करते हो? बोले तुम्हारा बच्चे है? बोला है। कितने हैं? बोले एक ही, अभी दूसरा प्लानिंग में है। आपके बच्चे 5 स्टार खाते? बोला हाँ मेरे भी बच्चे खाते हैं, तो मैं, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को एक 5 स्टार देता हूँ, 5-5 रुपये का, 15 रुपये उधर खर्चा हो गया,
मैं पुराना साला। और फिर बाकी का क्या करते हो भाई? वो तो है, इतना देर धूप में खड़ा होना पड़ता है। आप ही ने देखा सिगरेट अभी मिला है, हाँ खत्म हो गया, दूसरा दो ना, लेकिन दूसरा जला है। बोले आपने सिगरेट दिया, मैं सिगरेट नहीं लेता, मैं बीड़ी पीता हूँ, तो मेरे को चार घंटी बीड़ी लगती है दिन भर खड़ा होने के लिए, कुछ तो मोटिवेशन चाहिए सर। हाँ ठीक है, तो चार घंटी का कितना हो गया? तो उस टाइम उसने क्या क्या बताया कि 40 रुपये खर्चा होता है, हाँ 10 रुपये कुछ भी गड्डी है, हो गया। आज बाकी का शाम को थकने के बाद पौवा चाहिए। मतलब पौवा क्या होता है? मेरे को मालूम ही नहीं था पौवा, वो पैकेट में मिलता है ना दारू, देसी दारू, मतलब वो कितने में मिलता है? 25-100 रुपये उसमें क्या? और बाकी का पैसा वो डेली कलेक्शन वाला आता है ना वो, और लास्ट का लॉटरी खेलता हूँ, कब मालूम कब लक्ष्मी आ जाए। तो उस बंदे के पास 500 रुपये की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग थी, और सारे हम लोग के पास कुछ नहीं है, ना गोल है, पैसा है तो क्या करने का मालूम नहीं, सब कुछ सेविंग करते हैं, बीवी को देता है, बच्चे को चॉकलेट देता है, लॉटरी खेलता है, बीड़ी लेता है, दारू लेता है, सेविंग भी करता है। बोला लकी डे है तो 700 भी मिल जाता है, 1000 भी मिलता है उसका, तो मैं फिर ज्यादा मटका खेलता हूँ, दोस्तों के साथ उड़ा लेता हूँ, पर उसकी फिक्स है। हमारा है क्या ऐसा कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग? हेलो, मैं बोला सर जी, सर ने 1 घंटे में बहुत लेक्चर दे दिया मेरे को, उस दिन से सुधर गया। नंबर गेम बिजनेस में, नंबर, जितना ज्यादा लोगों को प्लान बताओगे, जितना ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट बताएंगे, वही तुम्हारा सक्सेस का वजह होगा। अगर एक भिखारी का हो सकता है तो तुम्हारा 100% हो सकता है, उतने गए गुजरे तो नहीं है हम। और ये सब्जी वाला, हजारों लोग सब्जी लेने आते हैं, पर जरूरी नहीं है कि लेता है। एक दुकानदार जो है, जिसके पास ज्वेलरी का दुकान हो, किराना का दुकान हो, लोग आके देख के जाते हैं, जो जाते हैं उसको देख के रोता है क्या? एक साड़ी दुकान में हजारों साड़ी देखते हैं, पसंद नहीं है निकल जाते हैं, वो क्या शटर बंद करेगा क्या? फालतू का धंधा ही है, मैं नहीं करेगा ये धंधा बिंदा, कल से दुकान बंद नहीं, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया। आपने इन्वेस्ट किया तो आप भी नहीं बंद करोगे, तो धंधे को धंधे की तरह सोचो ना। अगर ये फ्रूट वाला सोच सकता है, वो भिखारी सोच सकता है, वो शोरूम वाला सोच सकता है, तो आप क्यों नहीं? हेलो, सोच को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। तो इनके लिए अब ये सब्जी वाले जो होते थे, कोरोना के टाइम में मैंने ये पाठ सीखा था, मेरे घर में जो सब्जी वाला आता था वो क्या कहा, जैसा सब्जी लिया, सर मोबाइल नंबर दो ना। मतलब क्या हुआ? नंबर दे दो ना, और क्या करने का नंबर? नहीं सर, रात को मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा कल सब्जी क्या चाहिए, ताकि सवेरे मेरी सब्जी की खरीदारी की मैं पूरी प्लानिंग करूँ। सर मेरे पास आज ना 56 लोग हैं, मेरा 100 लोग बनाने का चक्कर चल रहा है, अगर 100 कस्टमर को मैं 100 रुपये के हिसाब से, तो मेरा इतने का धंधा हो जाएगा गारंटी, तो मैं एक्स्ट्रा 5000 का ले लिया तो मैं चलते फिरते किसी को भी बेच दूंगा, लेकिन मेरे फिक्स कस्टमर तो हो जाएंगे। साला मैं बोला अपने लोग फिक्स कस्टमर नहीं बनाते, साला सब्जी वाला बना रहा है। और वो जो सब्जी वाला नहीं था, ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, कोरोना में उसका ऑटो रिक्शा बंद हो गई थी, लेकिन बेसिक सर्विस सरकार ने चालू किया, इसके लिए अपनी ऑटो रिक्शा में वेल्डिंग करके वो सब्जियां बेचने लगा था। सोचो, बिजनेस करना है जहां चाहत है वहीं राहत है, चाहत अंदर से आनी चाहिए डायमेंशन बनने की। ITC बनना है, CTC बनना है, DTC बनना है, NTC बनना है, डायमंड बनना है, मुझे करना है, अप्लाई बोलो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, नंबर गेम खेलो। भिखारी भी नंबर गेम खेलता है, फ्रूट वाला भी नंबर गेम खेलता है, सारा दुकानदार भी नंबर गेम खेलता है, कोई रोता नहीं है, कोई नहीं आए तो आप क्यों रोते हो? रोना बंद करो, जिंदगी आगे बढ़ती है उसी की जो जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एवरी स्मॉल बिजनेसमैन डू दिस रिपर्चेस, उनको हर बार रिपर्चेस करना पड़ता है, परचेज करते टाइम में उनको ये नहीं मालूम होता है कौन लेने वाला है। इसके लिए अगर हमको मालूम नहीं है, 10-20 कस्टमर बना के रखो, और अचानक आने वाले के लिए स्पॉट सेल के लिए माल लो, उसके लिए फिर आप 10,000 का माल ले सकते हो ना, फिक्स कस्टमर के लिए 10,000, और हर सडनली POP दिखाया, प्लान दिखाया, और माल मांगा तो रेडीमेड माल, तब फोन करेंगे, हेलो अपलाइन आपके पास स्टॉक है क्या? अपलाइन बोले नहीं है, चलो POC में फोन करते, POC बोलते मेरे पास भी नहीं है, इंडिया सर बोलते मेरे पास भी नहीं है, अब मेरा कस्टमर को कौन देगा?
इसलिए केरला में आज एक डिस्ट्रीब्यूटर 56,000 का माल रखता है। हेलो, अगर भगवान भिखारियों को कस्टमर दे सकता है, फ्रूट वाले को कस्टमर दे सकता है, सब्जी वाले को, तो आपको तो मिलेगा। आपको विश्वास ही नहीं है भगवान पर? अपलाइन पे छोड़ो, भगवान पर विश्वास नहीं है, समझ रहा है? केरला वाले क्यों आगे बढ़ते हैं? इसके लिए बढ़ते हैं क्योंकि वो आने वाले चीज को देखते हैं। रिजल्ट 22,000 का कम से कम रीसेल हो सकता है, रीपर्चेस करके। अगर आप एक्सपर्ट हो गए, कस्टमर बेस ज्यादा है, प्लान ज्यादा है, प्रोडक्ट दिखाने का काम ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा लोग फील्ड में है, 22,000 का 2,00,000 का माल भी लेके बेच सकते हैं। जो 30,000 का तुमने दिया था टोकरा, वो फटाक से खत्म हो जाएगा। जैसा खत्म होगा फिर वापस टोकरा रखने के। अब तुमने 30 दिया, अगले बार 50 दिया तो वो रेडी लेगा अगर उसके घर में वो प्रोडक्ट बिकता है। मैं आगे बताऊंगा आपको प्रोडक्ट बेचते कैसे हम लोग, क्योंकि प्रोडक्ट को बेचना भी है वरना टेंशन आ जाता है उसको। ये समझ में आ गया? इसको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस, हर वो चीज की टारगेट बनाओ। ऐसी भी इनकम जो फूड वाले को नहीं मिल रहा था, जो धंधे वाले को नहीं मिल रहा था, हमको मिल रहा है। हमको ट्रिपल मोटिवेशन होना चाहिए रिपर्चेस करके धंधे को सेट करने के लिए। तो अप्लाई के साथ बैठो, मेरे को जितना पैसा, मैं इसको इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। मेरी शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, मैंने बहुत सारे ब्लू चिप कंपनियों में मैंने इन्वेस्ट किया है। मुझे मालूम है ये कंपनी कब ग्रो होगी, इसकी पूरी बैकग्राउंड पढ़ता हूँ, नॉलेज लेता हूँ। जो मैंने पैसा कमाया उसको मैं री इन्वेस्ट करता हूँ। मैं मटका नहीं खेलता हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग रेस्ट का घोड़ा खेलता हूँ। मेरा फिक्स अमाउंट है, इतना शेयर बाजार में जाएगा ही जाएगा, इतना म्यूचुअल फंड में जाएगा ही जाएगा। पैसे से पैसा बहुत आराम से बना सकते हो। मेरा प्रोडक्ट, मेरे को बीवी नहीं मिलता, मेरे पास एक ही बीवी है, नाम है रूपाली सरीन मैथ्यू। आपको हर प्रोडक्ट पे बीवी मिलता है, फिर भी आप प्रोडक्ट लेते नहीं हो। मैं तो लेता हूँ। हेलो, समझ रहे हो? सब इनकम मिलता है। वाई टू डिटेल, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। अगर आप एग्जाम्पल है, ये मसाला का कंपनी, इसमें इन्वेस्टमेंट 5 से 10 लाख रुपए है एक छोटा एजेंसी लेने के लिए। अगर आपने यहाँ पे लिया, आपको लिमिटेशन है उस गांव तक, बाहर नहीं जा सकते हो। ये 5 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, आपने 2 मिनी टेम्पो चाहिए, एक बड़ा ट्रक चाहिए, एक गोडाउन चाहिए और एक दुकान चाहिए। टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगा कम से कम 25 लाख। लोग ये धंधे में इन्वेस्ट करते हैं। हम बोलते 30,000 दो, बोलते ये बहुत ज्यादा है। वही आदमी पान का दुकान डालेगा, साला 2 लाख रुपए देगा, और पान का दुकान में क्या मिलेगा? पान बना बना के 1 रुपया 2 रुपया प्रॉफिट मिलता है, सिगरेट बेचने से 25-30 पैसा मिलता है। उसको धंधा धंधा समझते हैं, हमारा धंधा धंधा नहीं समझते, क्योंकि हम हमारा धंधे को धंधे की तरह पेश करते ही नहीं। हेलो, इसमें भी प्रोडक्ट का उला ढाल है, उसमें भी प्रोडक्ट का उला ढाल है, चाहे वो सिगरेट का दुकान हो, चाहे वो सब्जी का दुकान हो, चाहे वो ज्वेलरी का दुकान हो, कपड़े का दुकान हो, हर दुकान में माल लेते हैं और बेचते हैं, हम भी वही करते हैं। हेलो, इसके लिए होम शॉपिंग का फंड आया। होम शॉपिंग का मतलब है घर से ऑपरेट करना। वो पूछकर बना दुकान डालने में खर्चा बढ़ता है, हम खर्चा कम करते हैं। हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी है, इतना ही फर्क है। हेलो, ये चीज करते हैं, ऐसे चीजों में लोग डालते हैं, तो हम क्यों नहीं डाल सकते? वाई टू रिटेल, 2 मार्केट है, पहला डिस्ट्रीब्यूटर का रिक्रूटमेंट, दूसरा बिजी जनरेटेड बाय रिटेल कस्टमर्स। 2 मार्केट है दोस्तों। कभी रिपर्चेस वाली मार्केट बढ़ती है, रिटेलिंग का जो बढ़ता है और रिक्रूटमेंट का कम होता है, लेकिन इसको बैलेंस बनाना है। हेलो, 60-40 रेशियो, 50-50 रेशियो, लेकिन ये ऐसा रखो, कस्टमर बनाया 1 महीना 2 महीना 3 महीना, प्रोडक्ट ऐसा दो जिससे वो जल्दी डिस्ट्रीब्यूटर बने। हेलो, फेयरनेस क्रीम का डेमो करके देखा है कभी? फेयरनेस क्रीम जो है हमारा एलिमेंट्स का, एक हाथ में लगाओ, एक में मत लगाओ, और इमीडिएटली देख लो एक हाथ गोरा हो जाएगा। कभी करके देखे हो? टिंचर आइडिन ले लो, टिंचर आइडिन का 4 बूंद एक ग्लास में पानी डालकर, ऐसे एक ग्लास ले लो, उस ग्लास में थोड़ा सा चावल ले लो, चावल डालो, पानी डालो, टिंचर आइडिन डालो,
95 का एक पैकेट तोड़ो, उसमें वो पूरा काला पानी हो जाएगा, नीचे चावल भी काला हो जाएगा, पानी पूरा भरना चावल नीचे और गूंद डाल के थोड़ा सा हिलाना चमचे से, पूरा चावल सफेद हो जाएगा। बोलना ये तेरी बॉडी, ये गंदगी, ये 95 अमृत पूरा वाइट, चावल भी वाइट पानी भी वाइट। अब डाल टीचर एडिंग, फिर डालो वाइट, डालो वाइट, डालो वाइट। एक बार ये गंदगी बॉडी में, बॉडी कभी भी क्लीन रहेगा नहीं रहेगा। नहीं तो सिंपल डेमो, बहुत सारे डेमोज करते हैं। पानी लेना, एक गैजेट बनानी पड़ेगी, एक बल्ब बिजली वाली, एक प्लग और दो वायर खुला। बल्ब को रखो, चालू करो, पानी डालो और उसमें ऐसा दोनों वायर डालो। थोड़ा संभल के करना, शॉक लग के मर सकते हो। टेबल पे करना, हाथ में नहीं करना, तो लाइट नहीं जलेगी क्योंकि लाइट पास नहीं होता है। एक कैप्सूल स्पिरुलिना जो है हमारा नया वाला, उसको तोड़ना, उसको हिलाना, डालना, बल्ब जल जाएगी। उनको कहना इसके अंदर मिनरल्स है जो आपके शरीर की आवश्यकता है, जिसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रलाइट पाउडर शरीर होता है क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है। खत्म कहानी। तो वो कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर कब तक बनाते हो? एक महीना, एक दिन, एक घंटा, एक सेकंड कि 3 महीना? आपके ऊपर है। प्रोडक्ट ऐसा तो अगर फास्ट देंगे 1 महीने में रिजल्ट, 95 का शायद 3 महीना लगेगा उसको समझने में। हेलो, तो अगर वो कस्टमर बनता है, डिस्ट्रीब्यूटर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी फॉलोअप पे है। ये दो मार्केट है, हम लोग यहां पे कभी फोकस नहीं करते। दोनों चाहिए हमको, रिक्रूटमेंट भी चाहिए, रिपर्चेस और रिटेल वाला भी फॉर्मूला चाहिए। ओके, ये तो छोड़ दीजिए, पुराना वाला फॉर्मूला है। कौन रिटेल करेगा? जिसके पास बेस्ट रिटेलर कौन बनेगा? जिसके पास माल है, स्टॉक। कितने लोग के पास 50,000 का माल अभी घर में पड़ा है? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये माल घर में हर महीना रोटेट होता है कि घर में पड़ा ही रहता है? पक्का रोटेशन होता है। तो फिर आपको क्या सिखाओ रिटेलिंग? ये रोटेशन करना जरूरी है। आप करते हो क्या? आपके नीचे के लोग करते हैं? सवाल वो है सबसे इंपॉर्टेंट। तो आप अगर करते हो तो आपके नीचे वाले को ये समझाना जरूरी है, जैसा मैं करता हूं 50,000 का, तू कम से कम 25,000 का तो कर। उसके लिए हमको उसके लिए मीटिंग लेना पड़ेगा, उसकी अलग मीटिंग होती है। और ये मीटिंग, इसको हम कहते हैं स्मॉल होम शॉप की मीटिंग, जिसको स्पॉट सेल लाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कस्टमर हूं, आप तो 50,000 का माल रखते हैं, आप अपना कस्टमर बेस बनाए, आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन जो नया बंदा चला है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा गांव का नाम बताओ। कड़ी, कड़ी में आते हैं तो कड़ी गांव कितनी बड़ी गांव है? 5 लाख लोगों की आबादी है। अब ये जो विलेज है, इस विलेज में कोई ना कोई तो सरपंच या मुखिया कोई ना कोई होगा, छोटा मोटा जो जो क्या बोलते उसको नगर पालिका है, तो कोई ना कोई लीडर वीडर कुछ तो होगा। उससे भी छोटे छोटे गांव होंगे, 1 लाख की आबादी वाली, ऐसे गांव में बिजनेस है अपना, तो वो गांव में एक छोटा मुखिया होता है। ये जो मीटिंग है, ये आप लोग एसटीसी नाबाओ या आपके नीचे के जो लीडर्स, ये लोग करने वाली मीटिंग, इससे बिजनेस का कोई संबंध नहीं है। ये याद रखो, बिजनेस हो सकता है लेकिन बिजनेस पे फोकस नहीं है, रिपर्चेस के ऊपर, रिटेलिंग करने के ऊपर फोकस किए। ये मॉडल हम लोग बहुत इंटेलिजेंटली साउथ में अप्लाई किया है।
मेरे घर खड़े रहा, मैं खड़ा रहा आदमी किसान हूँ, मेरे घर में आए, मेरे घर वाले सबसे हुई नमस्ते नमस्कार गया, छुआ सब कर लिया, अब मेरे पास माल पड़ा है 30,000 का दिया है, बचा है कम से कम 25,000 का माल बचा है, उस माल को निकाले कैसे ताकि मेरा जो बोझा है पूरी तरह फ्री हो जाए और उस मीटिंग के बाद इमीडिएटली मैं अगला रिंग परचेज के लिए तैयार हूँ। आप करके नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, नहीं है लोग, उसकी कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब माल निकलेगा। तो घर में एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित करो, उस वक्त में आपके पास लैपटॉप की जरूरत है, हथियार, लैपटॉप रहा बहुत बढ़िया, लैपटॉप तो अगर घर में टीवी है तो टीवी को लैपटॉप कनेक्ट करो ताकि बड़ा स्क्रीन दिखे। हेलो, हमारे कुछ टीम में ऐसे कॉन्टेस्ट लगाए जिसमें छोटे छोटे प्रोजेक्टर लेते हैं, आजकल बड़ा सस्ते में प्रोजेक्टर मिलता है, एलईडी प्रोजेक्टर, बड़ा स्क्रीन में दिखा है, एक ब्लूटूथ स्पीकर हथियार है, क्योंकि लैपटॉप क्या है बड़ा बनाने के लिए बड़ा ब्लूटूथ का स्पीकर, बहुत महंगा नहीं है, आजकल सस्ते में मिलता है, चाइना वाला एक रखो, कनेक्ट करो और प्रोडक्ट का वीडियो दिखाओ। एक आदमी जो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखता है वो जाके वहां पे बात करता है, जो लोगों को जब सब लोगों को वहां पे लोगों को लगेगा जो कार्ड, कुछ लोग कार्ड छापते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप में मैसेज देते हैं कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है, ये बीमारी वो बीमारी, ये बीमारी वो बीमारी, तो सब लोग आके बैठते हैं। धंधा मत बताना, प्लान मत बताना, तो वो आएंगे और प्रोडक्ट लेने। अभी हर आदमी मेरे को बताओ, सिगरेट पीने वाले को मालूम एक सिगरेट कितने का आता है, 20 रुपए है? एक गड्डी बीड़ी कितने को आता है, 25 रुपए में बीड़ी की गड्डी होती है, यानी एक आदमी जो बीड़ी पीता है 50 रुपए का दो गड्डी पी जाता है। हेलो, तो वो आदमी जो 50 रुपए का बीड़ी पी जाता है, 60 रुपए का पवा मारता है, पवा मिलता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन पवा मिला तो वो भी मिलता है, वो पीते हैं, तो वो आदमी 500 रुपए का माल नहीं ले सकता है। हेलो, अगर उसको लगे कि ये सही है तो उसके घर में, हम लोग जब वो घर में आते हैं तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट दिखाते नहीं है, प्रोडक्ट को कोने में छुपा देते हैं, एकदम कोने में, वो कोने में ये कोने में मान के चलो, हम इस कोने में वो प्रोडक्ट को छुपा के रखते हैं। अभी बोलते हैं उसमें टेबल में सारा प्रोडक्ट सजा के रखते हैं, ये सजा के रखने के बाद उस टेबल के ऊपर सारा प्रोडक्ट और सामने से आता है पर्दा। हेलो, अब आप बोलेंगे पर्दे में क्यों रखना है, नया डिस्ट्रीब्यूटर है, खुला मत रखो, जब पब्लिक को बुलाते जैसा प्रोडक्ट खुला रखा हमारी जिज्ञासा होती है, जाके देखते हैं ये क्या है, ये क्या है, 9 इंच का पैकेट गलती से उठा दिया, गलती से गिर जाएगा और वो आदमी को हार्ट अटैक लगेगा, एक वॉल तैयार करेगा वो, ये बेचने को बुलाया है, मैं खरीदूंगा नहीं, ब्लॉक मेंटल ब्लॉक, इसके लिए हम उसको छुपाते हैं, क्योंकि एक पुराना जमाने में गाना है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया पेट खुल जाएगा, तो पर्दे में रखा, बोले पर्दा नहीं है घर में, साहब की लुंगी ले लो, लुंगी नहीं पहनता है भाभी का साड़ी लगा लो, पर उसको पर्दे में रखो। फिर जो अपलाइन होता है वो एलिमेंट्स के ऊपर बात करता है। हेलो, बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं ना, 2-3 घंटे का, लोग सब भाग जाएंगे। कुछ अद्भुत प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, फिर वो प्रोडक्ट बताया। अब ये दोनों जगह पे हो सकता है, जहां पे प्लान वहां पे लिखा रहता है, गुजराती में लिखा तो लिख दो माई मैजिक कॉर्नर, क्या लिखते हैं माई मैजिक कॉर्नर, ये मैजिक कॉर्नर है जहां से मेरी जिंदगी बनने वाली, किसमें देना पड़ेगा, किट में, बेसिक किट होना चाहिए, दूसरा ब्यूटी किट, तीसरा इम्यूनिटी किट,
चलता है ग्रुप के। अगर आप एक सही धंधे वाले हो तो हर एक किट को संभाल के रखो। आपका टारगेट क्या है, आए हुए 10 लोग, 10 लोगों को किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई किट पहनाया जाए। हेलो, जैसे सूट देखिए सिंपल है, बेसिक किट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 MRP हुआ 15-25। वो पर्दे का कॉर्नर का जो दर्द पर्दा है ना, उसके सामने एक रिबन रखो। आपने इनको बात करते टाइम में ये आयुर्वेदा में रिलेटेड है, आयुष डिपार्टमेंट का है, ऐसा है वैसा है, हो सके तो उसके कान में पहले से फुसफुस कर लो। जो भी मुखिया आएगा उसके कान में सारा फुसफुस कर लो, फिर वो डायलॉग मारेगा तो पब्लिक की और विश्वास बढ़ेगी। और जैसे ही ये किट का आया, पहला किट, इसको केवल 1500 रुपये का सर बॉनी आपसे करते हैं खत्म। अब साला 4 लोग के सामने इज्जत बनाएगा, इज्जत गाएगा, चुपचाप पर्स में हाथ डालेगा, 1500 रुपये देगा। हमारा ये जो बंदा जिसका बोझा ऐसा था, वो उठा है। हमारा मकसद उसको उठाना था, इसको पहनाना था, उसको उठाना था, वो उठ गया। और फिर जितने लोग आए, कोई 500 का लेगा, कोई 100 का लेगा, कोई 50 का लेगा, कुछ ना, पर किट में बेचोगे तो 1500 का माल निकल जाएगा। अगर उसमें लेडीज आए तो ड्यूटी किट दे दो, गोरा करना है तो ये लोग खरीदते हैं। हेलो, ये प्रोसेस को समझिए। ये मीटिंग में बिजनेस नहीं बताया जाता है, और फिर उनको बोलना है कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए, इसको इस्तेमाल करिए, और उसके बाद आपको अच्छा लगा अपना एक सेल्फी वाला वीडियो भेजिए। हेलो, सुन रहे हो? हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हमारे कस्टमर्स का प्रोडक्ट का रिव्यू डाला जाता है, हम आपका प्रोडक्ट में रिव्यू डालेंगे। एक बार उसने रिव्यू डाल दी, अगले बार वापस प्रोडक्ट लेने जाना ही पड़ेगा उसको। हम हर महीने में उसको अपडेट करते हैं, वो हमारा सिस्टम में आ रहा है। हमारा ये बंदा जो है ना, अब जो ऐसा था वो बास्केट पे लगे ऐसा नाचेगा, ए है मेरा तो धंधा पड़ रहा है। हेलो, रीपर्चेस का मॉडल हमने इस तरह कंस्ट्रक्ट किया है, नया व्यक्ति का विश्वास आ गया। हमारे एसटीसी पे फिर फुल डांस गरबा करें, क्यों? क्योंकि हमारा इनकम बन रहा है, हमारे नीचे वाले काम कर रहे हैं, हमारा भी इनकम आ रहा है, उसका रिटेल प्रॉफिट बन रहा है, हमारा एसटी भी इनकम बढ़ रहा है, हमारा परफॉर्मेंस बोनस आ रहा है। हेलो, रिपर्चेस का मॉडल समझ में आया? इतना इजी मॉडल है, लेकिन करने वाले चाहिए। जहां तक तुमने मुझे बताया कि ये लोग एक्टिवली काम करते, ये एडिशनल काम कर सकते हो, किट बहुत जरूरी है। वरना एक बार महाराष्ट्र में मेरे को एक नरेंद्र पंडित की टीम में कहा गया, सर मैं कंपनी के लिए जान दे दूंगा। मतलब पता है रे मेरे भाई, नहीं सर मैंने ऐसा काम किया कोई कर ही नहीं सकता, मतलब बता। बोला स्कोडा लिया, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक गाँव है, उधर एक आदमी को जरूरत थी, मैंने ब्लड प्योरीफायर लेके आ गया। मतलब प्रॉफिट कितना मिला? मतलब क्यों, वो जाने का 70 किलोमीटर मतलब 3 लीटर का डीजल लग गया, आने का भी 3 लीटर, एक प्रोडक्ट बेच गया। बोला हाँ, बोला भाई धंधा किधर हुआ? वो ये अगर किट दिया होता तो कम से कम 500 रुपये निकलता, कम से कम 100-200 तो प्रॉफिट मिलता। तो रीपर्चेस में किट बेचना जरूरी है। अब किट बनाने के लिए आपके नीचे लोगों को आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोडक्ट देना है, कौन से किट है, बेसिक, ब्यूटी, इम्यूनिटी और एग्रो। 4 किट में रूपांतरण करिए। रिटेलिंग करना बहुत आसान है, कस्टमर हैंडलिंग, मैंने कल भी बोला कस्टमर का हक है, जन्मसिद्ध अधिकार है ऑब्जेक्शन करना। अगर आपको ज्यादा सेल्स चाहिए, ज्यादा कस्टमर बनाने पड़ेंगे जो फ्यूचर के डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। हेलो, जो फ्यूचर के डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, तो डाउटिंग कस्टमर जो आता है, क्योंकि कस्टमर डाउट करता है। जैसे आप सादा कोथमीर की वड़ी लेने जाते हो, या आप पालक की सब्जी खरीदने जाते हो, तो डाउट रहता है कीड़ा है कि नहीं, तो वो भी तो डाउट करेगा।
उसको वहां से प्रोडक्ट कस्टमर में कन्वर्ट करना है, और इस किस्म का मीटिंग में आप उनको प्रोडक्ट कस्टमर में कन्वर्ट करते हो और फिर सेटिस्फाइड कस्टमर बनाना है। अभी सेटिस्फाइड कस्टमर बनाने के लिए फिर उनको हम कन्विंस कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए। अब ये कन्विंसिंग का जो गैप है इसको भरने के लिए उसे रेगुलर फीडबैक देना जरूरी है कि कैसा चल रहा है। जैसा हम फॉलोअप करते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर का, कस्टमर का भी फॉलोअप करना पड़ेगा आपको, तब जाके वो डिस्ट्रीब्यूटर या रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। जो मैंने कहा था 10 से 20 कस्टमर रेगुलर, इनको सर्विस देना है, हो सकता है फ्यूचर में ये डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। ये प्रोसेस है कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर का हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रेनिंग हो चुकी है हमारी, समझ में आ गया। डाउटिंग कस्टमर, उसको अगर चेंज करना है, उसको जब सवाल है, सबसे बड़ा सवाल जो आता है, क्या ये प्रोडक्ट वर्थी है मनी का, जो पैसा हम दे रहे हैं उसके वर्थ है कि नहीं। दूसरा होता है कोई साइड इफेक्ट है क्या। तीसरा है अगला रिपर्चेस करने, ये दोनों चीज सेटिस्फाई अगला महीना रिपर्चेस करेगा। आई फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं हमारा मैन 61 या हमारा वुमेन्स कंपनी है, लोगों को डाउट रहता है प्रोडक्ट लेने वाला है। हमारे वहां पे बहुत सारे ऐसी लेडीज है जो मैन 61 के कैप्सूल खा लेते सामने, मैं आदमी नहीं बनने वाली, खा लेती है। मर्द जो है वुमेन्स कंपनी टीके दिखाते हैं, जब हमको सर्टिफिकेट तुमको गायब होगा, तो सैंपल वाली बॉटल हमेशा साथ में रखते हैं। हेलो, जो खुद ही खाते हैं खुद ही पीते हैं, तुमने ले ली तो उनका डाउट खत्म, कोई साइड इफेक्ट है नहीं, मैं मरा नहीं, मैं आज प्रवीण चंदन फास्ट लेके आया, हमको कुछ हुआ है नहीं, आपको विश्वास है, ले रहे हमारे कुछ लोग, वरना ट्रेनिंग की बात देते। हेलो, नॉलेज की बात दूंगा मैं, हमारा सारा 25,000 का पहला लॉट खत्म हो चुका है, सेकेंड लॉट पहुंच रहा है। हेलो, तो आप सामने लेकर दिखाओ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, विश्वास आपको है उसको है क्या, सामने करके दिखाओ। यही तो 3-4 सवाल रहते हैं, ये आंसर करेक्ट दे दिया तो सेटिस्फाइड हो गया, अगले महीना रिपर्चेस फिर मांगेगा। कितने लोगों को मालूम है स्पेशली लेडीज कि जो चेहरे पे जो दाग पड़ते हैं ना 20-35 साल के बाद में, बहुत से लोगों की आंखों के यहाँ पे ना, यहाँ पे सब काले काले छोटे छोटे धब्बे आते हैं, वो एजिंग स्पॉट बोलते हैं। 30 के बाद तो बहुत लड़कियों को लड़कों को भी आता है। हमारे पास एक मिराकुलस प्रोडक्ट है जिसको आपने फेस पे लगाया वो डार्क स्पॉट्स निकल जाएंगे, वुंड हीलिंग क्रीम। बहुत से लोगों को पता नहीं है, आलोक पांडे का चेहरा बहुत बुरा था, अब बहुत बेटर हो गया वुंड हीलिंग लगा के। लोगों को पता, गाय को दूध बनाने के लिए लोग नाइनीफेर पिलाते हैं, बढ़ता है, चारे में नाइनीफेर मिक्स करके पिला रहे लोग, उसका दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो कर सकते हैं ये, अगर कर दिया मैंने उस कस्टमर को, फिर वो रेफरेंस लेके आएगा। अगर मैंने एक कस्टमर को सेटिस्फाई किया, हमारा पेट में रहता नहीं, हम दूसरे को बताएंगे, अगले बार जो मीटिंग में आएगा प्रोडक्ट लेने के लिए। और ये प्रोडक्ट मीटिंग हर 2 हफ्ते में एक बार या 1 हफ्ते में एक बार होना चाहिए इसके घर पे, क्योंकि हमारा काम क्या है, ये आदमी को 30,000 दिया डाउन अप, फिर 50,000, फिर फुल डाउन, फिर अप, इसका अप डाउन चालू रहना चाहिए। और ये काम आप लोग का है एसटी सेवा देखने के लिए कि उसके घर में जीटीएस के अलावा जो होता है मीटिंग, उसके अलावा प्रोडक्ट का मीटिंग होता है। कर सकोगे? हेलो, अगर कर पाए फिर रजिस्टर बनाना पड़ेगा, कस्टमर का फॉलोअप, स्टॉक एंड सेल्स, कौन सा प्रोडक्ट किसको दिया, क्या डिस्ट्रीब्यूटर का नाम क्या है, प्रोडक्ट कितना परचेस किया, कितना बेचा ये महीने में, कितना हाथ में है, कितना रिपर्चेस करना है, रिटेल प्रॉफिट कितना कमाया, रिकॉर्ड रखाओ। बहुत आसान है, यही हम वहां करते हैं। हर हर एसटीसी के बाद उसके नीचे की पूरी टीम की लिस्ट होती है, चाहिए ना रिटेल प्रॉफिट के साथ में परफॉर्मेंस बोनस, कौन सा कंपनी है यार
जो एक परचेस पे इतना सारा इनकम देता है, कोई कंपनी नहीं देता, हर एक का अलग अलग प्लान होता है, हमारा सब कुछ मिलता है, ये रजिस्टर मेंटेन कर रहा है और कस्टमर को भी रोज फोन कर रहा है। जैसा किसी को ड्राइवर लाइन दिया, वो नया डिस्ट्रीब्यूटर, उसको पता नहीं, जो अपना ही है वो तो फोन कर सकता है, आपने ड्राइवर लाइन दिया, आपने शुगर चेक किया पहले, आपने HbA1c का टेस्ट कराया, क्या रिजल्ट आया, हर एक हफ्ते का उसके कॉल बैक, आपको मैंने ये दिया था उसका कैसा लगा, आपको आपने वो क्रीम लगाया कैसा महसूस हुआ, ये फोन कॉल रेगुलरली होना चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, कस्टमर का फीडबैक व्हाट्सएप में उनका ये लीजिए, कभी कभी यूज नहीं किया तो भी अच्छा रिव्यू देगा, क्योंकि उसका वीडियो आ रहा है ग्रुप में, ये उसकी पर्सनल ईगो सेटिस्फाई करता है, फीडबैक कस्टमोरियल देना। फिर कोर कमेटी का जो बात किया है, क्या सीखे हम लोग आज, क्या सीखे हम लोग, बहुत कुछ सीखा है कल और आज में, जो भी सीखा है एक चीज याद रखना है, पर्पस के बिना लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, नंबर वन। और आज में क्या सीखा है, ये जो इवनिंग का सेशन है, देखिए माई लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा फ्यूचर है, लेकिन आपको बड़ा फ्यूचर चाहिए, नट्टू भाई जैसे, हरीश भाई जैसे, आपके जो ITCs है, प्लैटिनम्स है, CTCs है, NTCs है, इनके जैसे इनकम कमाना है तो आपको आपका वर्क को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, आपकी नीचे की टीम को मोटिवेशन के साथ में, एजुकेशन के साथ में, प्लान जो वर्क मैंने बताया, उन्होंने क्या लिखा क्या करेगी मेरे को मालूम नहीं, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर आपने काम किया, रिपर्चेस एक बहुत ईजी फंडा है। लेकिन जो जो मैंने बताया, सब्जी वाले की सोच, ज्ञानदेव का सोच, आपका सोच क्या है, आप सोचिए, और क्या सोच आप नीचे दे रहे हो, आपका सोच बढ़िया होने से काम नहीं चलता है। नीचे ट्रेनिंग, यहाँ पे अभी हॉल वन डे का मिलने वाला है, अलग अलग ट्रेनिंग होता है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप ले सकते हो, श्वेता राय की ट्रेनिंग अलग बात है, हम भी तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले सकते, तो छोटे छोटे हाउसेस में प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होता है, उसके लिए आप ट्रेनर बोल के जो प्रोग्राम हमारा होता है उसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया था, कितने लोग करते मेरे को मालूम नहीं है, बहुत सारे टीम्स के ट्रेनर्स होते हैं, लेकिन ट्रेनर का मतलब नहीं कि नेटवर्क छोड़ के सिर्फ ट्रेनिंग करें, हेलो वो भी गलत होती है, तो सब लोगों को प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, नॉलेज अपरंपार है, भंडार है, हार्वेस्ट का साइट है, उसमें आप सारे प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मिलता है, ऑनलाइन सब कुछ है, पर चाहत चाहिए आपको, और चाहत क्यों आएगा, अगर आपका पर्पस स्ट्रांग है। तो सारा धारा वाल जो मेरी दो दिन का ये सेशन चला है दोस्तों, एक ही चीज पर टिकता है, किसको कब तक अपनी जिंदगी में कौन सी वजह से क्या चीज हासिल करना है, किसको कब तक क्यों, जो भी चीज उसने सोचा है क्यों हासिल करना है, सब कुछ आके एक ही चीज पर रुकता है, जिंदगी जीने का मकसद क्या है। ये जितना भी साथ जो मैंने बातें बताई है, जितना भी आपकी अपलाइन आपको ट्रेनिंग में बताता है, जितना भी आप सुनते हो, जितना ग्रहण कर पाते हो, अगर वो सारे चीजों को आपका जीने का मकसद के साथ जोड़ दिए तो ये सारा चीज बोझा नहीं लगेगा। ट्रेनिंग में आना, दूर दूर तक सफर करना, पैसा खर्चा करना, क्योंकि जो होने वाला कल जो आज देख सके उसी को तो लीडर कहते हैं, और आने वाला दिन में अपना टीम कैसा होगा, उनको क्या देना, उसी को मेंटर कहते हैं। तो बुलाने के लिए धन्यवाद, बहुत कुछ सीखा है। इवैल्यूएशन की बात, इवैल्यूएशन सिंपल है दोस्तों, इवैल्यूएशन इतना सिंपल है कि आपको जो जो मैंने बताया इसमें आप जो मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, इवैल्यूएशन का पेपर जी सब, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं मकसद जो भी है उसको पूरा किए बिना सारा कुछ, कोरोना हमें कहीं लेके नहीं जा सकता, इस चीज़ का विश्वास करिए। मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ आपको, मुझे दो दिन सुना, हाँ वेरी गुड, मैं भूल गया था फास्ट के बारे में थोड़ा सा बात करूँ। फास्ट एक अद्भुत प्रोडक्ट है, फास्ट मैजिक नहीं है, ठीक है, सबसे पहले समझो, फास्ट लेने से बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, फिट
एंसिन थेरेपी ये वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है. क्या है? वेट मैनेजमेंट, फैट रिडक्शन नहीं है. मुझे 4 महीने लगे, मैं डाइटिशियन हूं, मेरा सर्टिफिकेट आने वाला इसी महीने में, तो मैं डाइट को समझता हूं. हम सबको डाइट समझ में नहीं आता है, तो हमारा जो इसका थोड़ा सा टाइम है ना अपने पास, टाइम है, मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाता हूं. हमारे जो अलग अलग रिलीजन है, जो भी हमारे रिलीजियस विश्वास है, उसमें हम लोग उपवास करते हैं. कितने लोग उपवास करते हैं? उपवास करते हैं. उपवास का मतलब क्या है? मैं जैन हूं, तो मैं हमारा जैन तिथि के हिसाब से उपवास करता रहता हूं. तो सुबह में 12 बजे खाना खा लेता हूं एक टाइम, और दो तीन बार पानी पीता हूं, और दूसरे दिन सुबह मैं खाना खाता हूं. दिन भर कुछ नहीं खाते? कुछ नहीं, एक ही बार बैठ के खाना खाता हूं. कितने बजे? सुबह 12 बजे. 12 बजे खाते? दोपहर को 12 बजे. ओके, और कोई अलग तरीका बताओ. हर 15 दिन में एक दिन 24 घंटा पूरा बिना पानी के, मतलब निर्जरा करता हूं. ओके, ओके, निरंकार करते हैं. वेरी गुड. और हमारे शरीर को पूरे दिन हम तीन सुबह शाम और दोपहर में खाते हैं तो आराम नहीं मिलता है. हर हफ्ते में मतलब 7 दिन खाते हैं तो हमारे शरीर को आराम नहीं मिलता है. तो शरीर को आराम मिले और हमारा शरीर क्लियर हो गए उसके लिए उपवास किया जाता है. आप कैसे करते हो उपवास? वो पूछता हूँ. ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आप उपवास करते हो तो कैसा करते हो? मेरा सवाल वो है. यस सर, समबडी. सर, उपवास तो वैसे हमारी धार्मिक एक परंपरा है, कई जैसे मान्यताएं होती है. मैं राजपूत हूँ तो हमारे अंदर हम माता जी की आठम करते हैं, तो आठम के दिन हम वन टाइम भोजन करते हैं. कितना बजे खाते हो? सर, शाम को 8 बजे खाना खाते हैं, माता जी की पूजा करने के बाद में. और दिन भर भूखे रहते हैं? हाँ सर, दिन भर भूखा रहना है. वेरी गुड, वेरी गुड. और कोई अलग तरीका? इधर रहता है. अभी फास्ट समझ में आया, हम किस चीज पे फास्ट हो रहे हैं? हाँ जी, हमारा वो पहले के वो महाराजा थे, मतलब वो पूजा पाठ करते थे, वो ऐसे कहते थे कि पूरा दिन नहीं खाए, रात को खाए, खाना जाए खाया जा सकता है, तो हमारी बॉडी हीलिंग करती है. क्या करती है? हीलिंग करती है. ओके, और वो पूरा दिन ना खाते हमारा कुछ ऐसे वो होते कीटाणु को मजबूत होते तो कुछ बीमारियां नहीं होती है. और ऋषि मुनि ऐसे बोलते थे कि निर्जरा व्रत मंथ में एक बार तो होना ही चाहिए. ओके, वो रात को ही खाना चाहिए, उपवास करे तो सुबह कभी खाना नहीं खाना चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड. आपका कुछ अलग है? इनका अलग है? कोई और अलग है जो बोला है उससे अलग कुछ है तो बोलना. लेट के बोलो. सर, मैं मुसलमान हूँ और मैं पूरे महीने के रोजे रखती हूँ. रोजे रखते? वेरी गुड. यस, तो उसमें रोजे में तो सुबह 4 बजे फास्ट करते हैं, सुबह 4 बजे खाना खा लेते हैं और शाम को 7 बजे रोजा छूटता है. ओके, वेरी गुड. और कोई समझ गया मैं? और एकादशी करू छू अने 24 કલાક સુધી અનાજ અંદર સંડે ને જવાની છે. 24 કલાક અનાજ ને. ઓકે, જે 5 દાન કહેવામાં આવે છે એ 5 દાન સંડે ને અંદર ને જવાની, બાકી બધું ફરાંત લે, બાકી અનાજ ને. આપ તો એક તો અલગ હે. સર, મે કભી ભૂખા નહીં રહેતા હું, પણ મેરે કો માલૂમ હેતા હમકો ભૂખા ક્યું રહેના ચાહીએ કે હમ પૂરે દિન ખાના ના ખાને કી વજહ સે हमारे शरीर को जो एनर्जी चाहिए वो अभी तक चर्बी जो पहले से हमको खुराक है उसी में से मिलेगी, उसकी वजह से हमारा शरीर साफ रहेगा और अच्छा रहेगा, इसके लिए उपवास करना चाहिए. ओके,
ओके, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। हिंदुस्तान में बहुत सारे रिलीजन हैं, हर रिलीजन में ये कहा जाता है कि उपवास करना चाहिए। भगवान ने जब इस धरती का इस पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि किया था तो भगवान को पता था जो प्राणी को मैं बना रहा हूँ जिसका नाम है इंसान, ये बड़ा खतरनाक है। हेलो, ये बड़ा खतरनाक है, इसको कंट्रोल करना, क्योंकि इसको मैंने एक शरीर दिया है, एक आकार दिया है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसको जानवरों की टेंशन नहीं थी, उनको जानवरों का टेंशन नहीं था, लेकिन इंसान से बड़ा डर लगता था, क्योंकि इंसान जो है सोच सकता था। इसे भैंस जो है सिर्फ लड़ करके जीता है, हम लोग ऐसे नहीं है। कभी आपने देखा है भैंस को कि वो कभी भी खाता है? वो एक बार खाता है और चबाते रहता है। देखा आपने कभी भैंस को नजदीक से? यहाँ रखता है, लाता है, चबाता है, फिर रहता है, फिर चबाता है, लेकिन बेवक्त नहीं खाता है। अगर आप जंगल में जाते हो या यूट्यूब में सर्च करो या गूगल में सर्च करो, एक बार शेर ने शिकार कर ली और पेट भर गया, शेर दूसरा किसी को कोई तकलीफ नहीं देता है, क्योंकि उनका भोजन हो चुका है। हेलो, हम इंसान हैं, हम लोग सूप भी पियेंगे, रोटी भी खाएंगे, दाल भी पियेंगे, चावल भी खाएंगे, बाद में गुलाब जामुन भी खाएंगे, साथ में आइसक्रीम रखा तो 5-6 फ्लेवर भी खाएंगे, और उसके बाद पान खाएंगे, उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे। हेलो, हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए भगवान ने क्या किया, रात और दिन बनाया। दिन भर तो कुछ भी कर ले, रात को तो कुछ नहीं खाएगा। हेलो, तो हर इंसान हर रोज उपवास करता है रात का। हेलो, इसीलिए मॉर्निंग में जब उठते हैं पहला जो खाना खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब जो फास्ट रखी थी रात भर की उसको ब्रेक करते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। हेलो, समझ गए इतना? अब इसके आधारित हमने हमारा फास्ट प्रोडक्ट बनाया है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के हमने फास्ट बनाया है। जब आप रात को उपवास करते हैं, जैसा किसी की महाराज ने कहा है, किसी बुजुर्ग ने कहा है कि उपवास करने से शरीर अच्छा रहता है, बिल्कुल सही कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। ये रिलीजियस बिलीफ भी उसी चीज को दर्शाता है कि नॉट ओनली इस्लाम, क्रिश्चियन, जैन्स, बहुत सारे ऐसे धर्म है दुनिया भर में, जूस में भी उपवास होता है। उपवास करने से होता क्या है, आपकी बॉडी में आपका बॉडी रिपेयर करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, हर 48 दिन के बाद आपका बॉडी नया बनता है। यानी मैं जो आज हूं आपके सामने, 48 दिन के बाद मैं नहीं हूं, नया मेरी बॉडी है। हेलो, मेरा किडनी, मेरा लीवर, मेरा हार्ट, मेरा ब्रेन, हर चीज नया बन जाता है। समझ में आया? आपका शरीर जैसा सांप होता है ना, वो अपना स्किन निकालता है, हम तो पूरा शरीर को बदलते हैं। आप गूगल करके देख लो, ये जो शरीर को हम खाना देते हैं उसके हिसाब से आपका बॉडी का सेल बनता है, बिगड़ता है। जब आप रात को नहीं खाते हो तब आपका बॉडी रिपेयर वर्क चालू करता है। गाड़ी को दिन भर दौड़ाओ, रात को उसको ठंडा करो और एक हफ्ते के बाद उसको सर्विसिंग में लेके जाओ, तब ऑयल चेंज करते हैं, एयर फिल्टर चेंज करते हैं, एयर फिल्टर चेंज करते हैं, धीरे धीरे जब वेयर एंड टायर होता है तो उसकी भी ओपन हार्ट सर्जरी होती है। अगर उतना पुराना गाड़ी किसी के पास है, कभी पिस्टन बदलते हैं, कभी हेड को बदलते हैं, कभी ब्लॉक को बदलते हैं, मतलब ऑपरेशन गाड़ी का भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। लेकिन जब रात को हम सोते हैं तो हमारा बॉडी का रिपेयर वर्क चालू होता है। अब सवेरे उठे, बहुत बार सवेरे भूख नहीं लगती पर फिर भी हम खाते हैं, इसका सबूत है जो लोग उपवास करते हैं रात भर, दिन भर और फिर रात को खाते हैं, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि उपवास करना अच्छी बात है। हेलो, तब हमको भूख नहीं लगती। जो मुस्लिम लोग ये करते हैं रमजान के महीने में, वो करते हैं तो वो वक्त में भी उनकी बॉडी तैयार होती है स्पिरिचुअली। मारवाड़ी लोग जो होते हैं जैन समाज के, वो केवल पानी पे रहते हैं। हमारे निखिल ने भी किया है,
हमारे राजेश चंद्र जी ने किया है, 180 दिन तक बिना खाए पिए भी रहते हैं। हमारे मैनेजमेंट में वीरेश मेहता जी करते हैं, हर साल 48 दिन बिना खाए पिए रहते, केवल पानी पीते। अब केवल पानी पे चिंता कैसा रहता है, सवाल तो है, क्योंकि खाना पिए तो हमको तो चक्कर आता भाई, हेलो। तो ये बॉडी जो है, हमारा शरीर जो भगवान ने बनाया है, ये शरीर जो है ये बड़ा इंटेलिजेंट है, हमारी जो खोपड़िया है। पहले समझना होगा कि हमारी शरीर बनता कैसे। हमारा शरीर में 70% 80% पानी होता है, ये मानते हो। आपने देखा मैं बात करते करते कितना पानी पी रहा हूँ, इधर से उठाता हूँ पानी पीता हूँ, वहाँ रहता हूँ। मैं दिन में 4 लीटर पानी पीता हूँ। क्यों पीता हूँ? क्योंकि मेरा शरीर में 70% पानी है। अगर मेरी पानी कमी हो जाए तो मेरे को कमजोरी होगी। मैंने खाना नहीं खाया 48 घंटे 72 घंटे, मेरे को भूख नहीं लगती, लेकिन पानी नहीं पिया तो मेरे को कमजोरी होती है। नंबर वन क्या है? पानी। तो फास्ट के साथ या फास्ट के बिना भी पानी भरपूर पीना चाहिए, क्योंकि शरीर में सबसे ज्यादा पानी है। दूसरा है प्रोटीन। बाल भी प्रोटीन, नाखून भी प्रोटीन, त्वचा भी प्रोटीन, सब कुछ प्रोटीन, तो प्रोटीन जाना चाहिए। तीसरा है चर्बी। चर्बी हर बॉडी में रहता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, हेलो। उसके बाद होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन्स होता है, सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है। ये सब पानी के लिए आपको सब्जियां खाने पड़ेंगे। हमने देखा गाजर रखा था, काकड़ी रखा था, टमाटर रखा था, प्याज रखा था, दही रखा था। दही में क्या है? प्रोबायोटिक है। खाने में क्या है? मिनरल्स है। किसी किसी जगह में बीटरूट भी मिलता है, केला खाने से पोटेशियम मिलता है, बीटरूट खाने से पोटेशियम मिलता है। तो क्या खाने से क्या मिलता है, ये साइंस बहुत बड़ी है, ये हम लोग सीख नहीं पाएंगे। ये करेंगे तो सब नेटवर्किंग छोड़ के यही करेंगे, हेलो। तो हमने क्या किया है, फास्ट को बनाया है। जो अब रात भर का उपवास करते हो और सवेरे ब्रेक तक फास्ट करते हो, उस ब्रेकफास्ट को हमारा शेक बना लो। अब ब्रेकफास्ट में आप सॉलिड फूड खाते हो तो पेट में जाके भरा हुआ फीलिंग आता है ना, इस शेक पीने के बाद भी आपको भरा हुआ फीलिंग आएगा, उसको कहते हैं फीलिंग ऑफ सैटिएटी। उसमें प्रोटीन्स है, बी प्रोटीन्स है, वे प्रोटीन्स है, जो प्रोटीन चाहिए वो सब चाहिए, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट है, जो हर चीज जो चाहिए वो सब कुछ उसमें इंग्रीडियंट डाला हुआ है, ताकि आप जो फास्ट करके उठे हो वो फास्ट इस तरह ना टूटे कि आपको भूख लगे, तो आपका भूख को ना एग्रीमेंट करते हुए आपका खाना हो गया, ठीक है। अब दोपहर को आपको जो भी खाना है खा लीजिए, पर कुछ चीजों से परहेज करना है। परहेज नंबर वन, मैदा नहीं खाना है, हेलो। मीठा बहुत मैंने देखा, लंच टाइम में लोग गुलाब जामुन पर ऐसा टूट रहे थे जैसे जिंदगी में कभी गुलाब जामुन, किसी की थाली में 5-5 6-6 गुलाब जामुन था। ये मीठा खाने के पीछे एक साइकोलॉजी है। जैसा मीठा, जैसा फूड जो होता है, खाना जो होता है, हमें भूख कब लगती है? जब खाने का विचार आता है, खाना सामने दिखता है और खाने की खुशबू आती है। तीन चीजों से हमें भूख लगती है, वरना भूख नहीं लगती। मुझे अभी गुलाब जामुन देख के कोई मजा नहीं आता है। पिछले 6 महीने से मीठा खाना त्याग दिया, अब मीठा से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले गुलाब जामुन देखा, रसगुल्ला देखा, जलेबी देखा तो मेरे मुंह में पानी आता था। अब मुझे टमाटर दिखा, गाजर दिखा, काकड़ी दिखा तो मुंह में पानी आता है, हेलो हेलो। फूड की तरफ देखने का नजरिया बदल दो। तो क्या नहीं खाना है? आलू बंद, मैदा बन, चावल थोड़ा, जैसे शेर साहब खाते ये खाते, थोड़ा सा चावल खा लीजिए, 1 या 2 रोटी। आप 1 रोटी खाकर भी पेट उतना ही भर सकते जितना 6 रोटी, हेलो। हम हिंदुस्तानी खाना हाथ से खाते हैं, हाथ से जल्दी और ज्यादा खा सकते हैं, अंग्रेज ऐसा खाते, थोड़ा खाया
पेट में थोड़ा देर का चटाई की फीलिंग अपने आप आ जाती है। तो खाना चबा के खाओ। किससे सीखना है वो चबाने का काम? भैंस ही सिखाता है। भैंस बहुत चबाता है। क्यों भैंस चबाता है उसकी भी साइंस होनी चाहिए। वो बेचारा घास ही खाता है ना, वो पनीर खाता है ना, वो फ्रूट्स खाता है ना, वो चिकन खाता है ना, वो मटन खाता है। पर अगर आप सांड को देखो तो सबसे मस्कुलर तो वही है। हेलो, सांड घोड़ा, इनका मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमारा नहीं होता है। हम तो सब मस्कुलर चीजें खाते हैं फिर भी क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हमारा शरीर में उसको पचाने के लिए वो हार्मोन्स या एंजाइम्स नहीं है, और वो चबा के चबा के चबा के खाते हैं। पहला डाइजेशन मुंह में, सेकेंड डाइजेशन आपकी जो हथड़िया उसमें, थर्ड मतलब फिर भाग लेता है। पेट में सिर्फ उसकी चर्निंग होती है, मिक्सी है वो, जहाँ पे उसमें एंजाइम्स डाले जाते हैं। एक्चुअल जो काम होता है 4 घंटे के बाद होता है। तो मॉर्निंग में आपने फास्ट का शेक लिया और मुंह में थोड़ा देर रखो उसको, मतलब फास्ट का शेक पीने का भी एक तरीका है। मेरे को और एक बोतल पानी भी मिल जाएगा, आपको दिखा भी दूंगा। तो शेक पीने का है, थोड़ा घुमा के, थोड़ा उसमें सलाइवा मिक्स होने दो। हेलो, तो थोड़ा थोड़ा, हमारा पहला प्रोडक्ट में नहीं जल्दी पिया तो कड़क हो जाता था, इसके लिए हमने बार शेक लाया। इसको ना जो दारू पीते ना, नीट दारू धीरे धीरे पिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह पीना, थोड़ा थोड़ा मजे लेकर पीना, उसकी पूरी एंजॉय। कि कितना एमएल में पानी बनाना है? 250 ml से ज्यादा मिक्स मत करना। दूध है तो और बढ़िया टेस्ट आएगा, पानी में भी टेस्ट हो जाता है। इसको एंजॉय करके पीना। ये जब अंदर जाएगा आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी, आपकी शुगर स्पाइक बहुत कम होगी और आपका भूख भी मिट जाएगा। फास्ट पियोगे तो नहीं, धीरे 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 पी लो। उसके बाद दोपहर में आलू नहीं खाना, चावल ज्यादा नहीं खाना, रोटी ज्यादा नहीं खाना, मैदा बिल्कुल नहीं खाना, ये सारा चीजें। बाकी जो खाना है खा लो, सब्जी सब खा सकते हो, पनीर दबा के खाओ, पालक दबा के खाओ, जो भी जमीन के नीचे चीजें, उसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कार्ब कंटेंट कम करो। नॉन वेजिटेरियन है सब कुछ खा लो, इंसान को छोड़ के सब कुछ खा सकते हो। ऑयल में नारियल का तेल बहुत बढ़िया, शुद्ध घी बहुत बढ़िया, तीसरा ऑलिव ऑयल बहुत बढ़िया, या फिर कच्ची घनी का शेंगदाना का तेल। शेंगदाना, आपको भूख लगी, मेरा जेब में हमेशा शेंगदाना रहता है। जब भी मुझे बीच में भूख लगा तो मैं थम्सअप कोका कोला ये नहीं पीता हूँ, क्योंकि वो पीते ही मेरा शुगर बढ़ जाता है, मेरे को भूख नहीं लगती, क्योंकि मैं शेंगदाना खा लेता हूँ। शेंगदाना प्रवीण टंडन को सबसे प्यारा आजकल वही है। अब प्रवीण सर के साथ में कभी याद नहीं, उसको कैरेट लेकर गाड़ी, कैरेट ले रहे भाई, कैरेट खाते रहते हैं। पेट भरना है, अच्छी चीज से भरो। और सब्जी जितनी कच्ची होगी, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्टीम देना है, थोड़ा सा उसको घी में बनाओ, खा लो, जितना ज़्यादा खा लो, कैलोरी की चिंता मत करो, मस्त घी में तल कर खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोपहर का खाना हो गया, दोपहर के खाने में सैलेड जरूर खाना। अब सैलेड क्यों खाना है? मैंने कहा एक मुंह में होता है डाइजेशन और दूसरा आपके हथड़ियों में, राइट? हथड़ियों में जो डाइजेशन होता है वो होता है कुछ ऐसे कीटाणुओं से जिसको बोलते हैं गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया से होता है, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके खाना पचाने में आपको हेल्प करता है। उसको गलत चीज दे दी तो फिर गैस बन जाता है। हेलो, आपने बटाटा ज्यादा खाया फिर आप गैस छोड़ते हो ना, उसका वजह ये बैक्टीरिया है। हेलो, आदमी को दारू पिलाए तो भी ऐसा होगा, वैसे उनको अगर तुम बटाटा खिलाओगे तो गैस छोड़ेगा। समझ में आ गया?
तो हरे सब्जियां सैलड खाने की वजह ये है, उनका खाना वो है, उनका खाना पनीर नहीं है, वो हेल्प करता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए हमने, अगर आप नहीं, बहुत से लोगों को कच्ची सब्जियां अच्छी नहीं लगती, सैलड नहीं खाते, ये हमें पता था, इसके लिए हमने सूप बनाया जिसमें सारे सब्जियां डाले हुए हैं। दूसरी बात, जैसे ही हमने शाम का खाने एक घंटा पहले सूप पिया जिसमें सब्जियों के सारे गुण है, अगर आपने दोपहर को सब्जी नहीं खाया, सब्जी मिलेगी वरना आपको बदहजमी हो सकती है, इसके लिए सूप दिया, और सूप अंदर जाने के बाद आपकी भूख कम हो जाती है। हेलो, शाम को आप थोड़ा खाते हो और खाना खाने के बाद इमीडिएटली कैप्सूल खा लो, तो जो मिनरल्स का ट्रेस, मिनरल की जो कमी होती है, क्योंकि हम सब बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं, वो हमारे तीनों इंग्रेडिएंट में, खास करके कैप्सूल में, रात भर की आपकी जो फास्टिंग होने वाली है दूसरा दिन तक, उसमें वो कैप्सूल के अंदर ऐसी चीजें डाले हैं जो आपकी फास्ट में आपका चर्बी को बर्न करने की जो तत्व है वो सारे कैप्सूल में है। तो सोते वक्त आपका बॉडी वैसे भी रिपेयर मोड में जाता है, तो चर्बी को भी घटाने का मोड शुरू हो जाता है और फिर सवेरे वापस साइकिल। ऐसा करके अगर आपने डाइट पे कंट्रोल, और सवेरे ये सूप लेने के पहले, अपना शेक लेने के पहले, अगर आप 15 से 20 मिनट थोड़ा चल सकते हो, ब्रिस्क वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, तो थोड़ा सा शुरुआत करिए, पर वो फास्टर स्टेज में होना चाहिए, फास्ट को इसको पी कर नहीं। आपको लगेगा कि मेरे को एनर्जी नहीं रहेगी, हो सकता है पहले थोड़े दिन आपको कमजोरी महसूस हो, पर चिंता ना करें, 3 से 7 दिन में ये कमजोरी चली जाएगी। 3 से, पर पानी को मत भूलना। सवेरे उठकर जो गुनगुना पानी है उसको पीजिए, उसमें शायद तो थोड़ा सा शहद डाल के पी लीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल के, पर ज्यादा नींबू नहीं, ठीक है। ये प्रक्रिया करेंगे, बाकी नॉलेज हम आपको दे देंगे, तो आपका एवरेज 1 महीने में, पानी ज्यादा बहुत जरूरी है, और ये करने से धीरे धीरे कर आपकी बॉडी का वजन घटेगा, 1 महीने में करीब 3 से 5-6 किलो तक आपका वजन घट जाएगा। पानी नहीं पिया, एक चीज बता दूं, हमारा बॉडी का मेन इंग्रेडिएंट पानी है, फिर बॉडी पानी को पकड़ के रखता है। अब आपकी पानी कम है या ज्यादा है ये आपको समझना है, तो आप अपने पैरों के ऊपर, जैसे मैं भी दिन भर खड़ा हूं, दिन भर खड़े होने से या सफर करने से पैरों में सूजन किसी का आता है, समझ लो कि उसकी पानी बॉडी पकड़ के रख रहा है। आप जितना बार सुसु करने जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो गंदगी बनती है उसी के द्वारा बाहर जाती है, तो पानी रिटेंशन नहीं हो रहा है इसके लिए। अब मैं क्यों इतना पानी पी रहा हूँ फिर भी सुसु नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरे को पसीना आ रहा है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी बर्न हो रही है। पानी बस पीते रहिए, हर आराम से 3 से 4 किलो वजन भी कम होगा, साथ में आपकी बॉडी का रिपेयर वर्क भी बढ़िया रहेगा, साथ में आपका लिवर, किडनी, हार्ट, ये सब कुछ ठीक होगा। इसीलिए पूरा जो प्रोडक्ट का 7 महीने का अगर आपने कोर्स किया, आप एक नया हेल्दी होंगे, क्योंकि 48 दिन के बाद आपकी बॉडी नई बनती है। हेलो, 48 दिन के बाद जब आपकी बॉडी नया बनता है, उसमें कचरा नहीं होता है, फालतू की चीजें नहीं खाते हो, तो नया बॉडी बनता है, और उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं ऑटोफैजी। क्या बोलते हैं? ऑटोफैजी। ऑटोफैजी का मतलब सिंपल है, आपकी जो कोशिकाएं हैं, आपके शरीर में जो मिनरल्स है वो बॉडी बचा के रखता है, और जो पुराने सेल को जो डैमेज हुआ है, जो रिपेयर कर सकते हैं, वो रिपेयर करके वापस बॉडी में डालेगा। तो आपकी बॉडी जब नया बनेगा, रिपेयर्ड सेल आएगा, खराब हुआ सेल नहीं आएगा, तो ऑटोफैजी चालू हो जाती है, जिसके कारण एक नया आप, मेरा 4 महीने में, मेरा शरीर का जो आकार है, मेरी एनर्जी है,
नहीं तो मैं इस उम्र में 59 में दो दिन यहाँ पे कंटिन्यूसली खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ, परसों उधर खड़ा था दो दिन, उसके पहले फिर बाबू थॉमस के साथ में 8-9 घंटे मैं कंटिन्यूसली बात करता हूँ, लेकिन कहीं दिखता है कि मेरा चेहरा कमजोर पड़ गया, वीक पड़ गया? नहीं होता है, क्योंकि मेरा नया जो बना है फास्ट के बाद उसके अंदर मेरी एनर्जी कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। ये प्रक्रिया करने से नॉट ओनली आपका वजन बट आप एक नए व्यक्ति ऐसे बनेंगे जिसकी एनर्जी हाई, बर्निंग कैपेसिटी ज्यादा, वजन कम, तो सारी बीमारियां खत्म। ये है फास्ट की कहानी, इतनी सिंपल चीज, सिंपल शब्द फास्ट को फास्ट से बड़ा नाम, यही फास्ट का काम है। इसके लिए हमने नाम रखा फिट एंड स्लिम थेरेपी, इन शॉर्ट फास्ट आपका आइडियल ब्रेकफास्ट, आइडियल डिनर यही है। तो ये एक फूड है, कंप्लीट फूड है जो आप, हाँ कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, शुरुआत में बॉडी को खाना थोड़ा थोड़ा दें, धीरे धीरे करके आपकी भूख मर जाएगी, फिर भी आपकी एनर्जी देगी, क्योंकि किसी ने कहा था भी थोड़ी देर पहले, आप अपाहार कटवे वाले चर्बी, अपनी चर्बी को हम खुद खा सकते हैं। जिसका पेट था, मेरा पेट बहुत बड़ा था, साइड में भी था, आगे भी था, पीछे भी था, तो मेरा शरीर में जितना चर्बी था वो मुझे जिंदा रख सकता था अगले 1-1.5 साल। अभी भी मेरे पास 1 साल का स्टॉक बाकी है। अगर 1 साल मैंने कुछ भी नहीं खाया, केवल पानी पिया, तो भी मैं जिंदा रह सकता हूँ, उसकी अलग साइंस है। लेकिन उसमें बहुत सारे केयरफुल चीजें करना पड़ता है जो आम आदमी नहीं कर पाता है, और वो कुछ गलत डाइट खा लिए, जैसे बहुत सारे मिलिट्री डाइट, कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, दुनिया भर के डाइट के आते हैं। लेकिन आप अपने मैक्रोज यानी कि जो बड़े बड़े खाने के चावल का, उसका मेजरमेंट आप नहीं ले सकते, माइक्रोन्यूट्रिएंट का मेजरमेंट नहीं ले सकते, ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के हमने फास्ट बनाया है। इसीलिए मैं कहता हूँ इसके बाद इसके एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें हम लॉन्च करने वाले हैं जो फ्यूचर में, फिलहाल उस पर हम बातचीत ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन आपके शरीर को एक उत्तम बॉडी, उत्तम सोल माइंड बनाने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं फ्यूचर में, वो हम सब लॉन्च करने वाले हैं। क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूँ फास्ट हमारा टेक ऑफ का प्लेटफॉर्म बनने वाला है। इसके साथ में कम से कम 10-12 प्रोडक्ट और हम डिजाइन कर रहे हैं जो फास्ट के साथ हम लेंगे, तो शायद आगे जाके आप थोड़े दिन वेट करिए, हम कुछ प्रोडक्ट का ट्रायल कर रहे हैं, 5-6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद उनके बारे में मिलोगे तो एक अलग शरीर महसूस दिखेगा। क्योंकि इस बार का मेरा विचार है अगला ट्रेनिंग में सूट में नहीं टी शर्ट में दूंगा। बुला देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय माला जी का। थैंक यू सर, सर के लिए सलील मैसेज, सर के लिए जबरदस्त राउंड ऑफ अप्लॉज के लिए होता है। और सर के लिए स्पेशल एक बार जबरदस्त राउंड ऑफ अप्लॉज, सबका ताली का आवाज सर सुनना चाहिए, सबका ताली का। दो दिन सुबह से लगा के शाम तक, कल और आज पूरा दिन सर हमारे साथ में रहे, वैल्यूएबल टाइम दिया, वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड।